नमस्कार मैं प्यार दोस्तों मैं सरो कुमार सिंह स्टडी आपका हारिस्वागत करता हूँ आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों घटना चक्र का बीपीएससी का पूर्वालोकन यानी ये क्वेश्चन बैंक है दोस्तों इसमें उन्नीस सौ बिरानवे से लेकर दो हजार बाईस तक बीपीएससी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई है सभी एग्जाम का इसमें क्वेश्चन बैंक है यानी ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से खास करके बीपीएससी के लिए तो अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बुक में वही क्वेश्चन दी गई है जो क्वेश्चन से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों बिहार राज्य संबंधित जितनी भी क्वेश्चन दी गई है जो काफी इंपॉर्टेंट है वो सभी को आज हम लोग दोस्तों एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे इसीलिए वीडियो लॉन्ग बनेगी तो आप लोग घर आइएगा नहीं पेशेंस के साथ बने रहिएगा और हां दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम दो बार पढ़ के कंप्लीट करेंगे यानी बिल्कुल अच्छी तरह से आपको याद भी हो जाएगी चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे दोस्तों अगर आपका बीपीएससी का एग्जाम है तो एग्जाम देने से पहले इस बुक को शुरू से लेकर अंत तक एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा और इस बुक को जो तैयार किया गया है वो तैयार किया गया है दोस्तों बीपीएससी दो हजार बाईस दो हजार तेईस की एग्जाम के दृष्टिकोण से क्योंकि ये जो हुई थी आठ मई दो हजार बाईस को जो निरस्त हुआ था उसका भी इस बुक में दिया गया है यही बुक है दोस्तों घटना चक्र का 2023 की दृष्टिकोण से इस बुक को तैयार किया गया है और ये सत्तवी जो एग्जाम हुई थी 8 मई 2022 को संपन्न हुई थी जो निरस्त हुआ था उसका भी इसमें क्वेश्चंस दी गई है और इसमें जो क्वेश्चन दी गई है उन्नीस से लेकर दो तक जितनी भी एग्जाम हुई है सभी एग्जाम का क्वेश्चन है इसमें और इस बुक में दोस्तों सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अलग करके सभी क्वेश्चन को दिया गया है इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें सभी सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं भारतीय इतिहास को भी कंप्लीट कर चुके हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को भी भारतीय व्यवस्था को भी सामान्य विज्ञान को भी दोस्तों और जो ये जो बचा हुआ है दोस्तों सामान्य भूगोल को भी कंप्लीट कर चुके हैं आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बिहार राज्य संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे स्टार्ट करने से पहले एक सोहन लाल दुर्दी जी का एक कोर्स है जिसे आप लोगों के बीच रखना चाहेंगे इस कोर्स को हमेशा अपने मन में रखिएगा और इस पर विचार कीजिएगा लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती नन्नी चीटी जब दाना लेकर चलती है नन्नी चीटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर सुवार फिसलती है मन का विश्वास रोम में साहस भरता है चट गिरना गिड़ का नहीं अखरता है आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में बढ़ता दो उत्साह इसी हैरानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती एक अंतिम पंक्ति है दोस्तों असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम कुछ के बिना ही जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती एक हम टेलीग्राम चैनल बनाए दोस्तों स्योर स्टडी नाम से आप लोग टेलीग्राम में जाइएगा और स्योर स्टडी चेक कीजिएगा और यह स्योर स्टडी आएगा और यही लोगों उसमें दिया गया है उसको

मन और जीत के साथ अपनी जिंदगी के, के, के लिए भीड़ जाइए और हमसे जितना होगा हम आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगे दोस्तों अंतिम तक बिल्कुल जब तक रहेगा सांस तब तक रहेंगे आपके साथ दोस्तों जितना होगा हम आप लोगों के लिए पर डे कुछ ना कुछ लेके आते रहेंगे दोस्तों सिर्फ आप लोग का हमें साथ चाहिए और इस बुक का ये कंटेंट्स है जिसमें से हम लोग भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर चुके हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को भी सामान्य भूगोल को भी कंप्लीट कर चुके हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को भी सामान्य विज्ञान को भी कंप्लीट कर चुके हैं बिल्कुल तीनों सब्जेक्ट को और इसमें जो दिया गया है दोस्तों बिहार राज्य संबंधित उसी में आता है भूगोल कृषि उद्योग एवं विविध इतिहास ये सभी को आज हम लोग दोस्तों एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे उसके बाद इसमें जो करेंट अफेयर्स दिया गया समय की ये छोटा सा पार्ट से इसको भी कंप्लीट करेंगे लेकिन ये जो एग्जाम पीछे हुई है दोस्तों वो सभी का करेंट अफेयर्स दिया गया है यानी सभी को कंप्लीट करेंगे दोस्तों सिर्फ आप लोग पेशेंस के साथ बने रहिएगा चलिए दोस्तों हम बिना देर के वे स्टार्ट करते हैं बिहार स्पेशल यानि बिहार राज्य संबंधित प्रश्न जो कि बहुत ही बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार के प्रश्न उसमें कम से कम दस से पंद्रह प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण है बिहार का भूगोल तो हम लोग बिहार का भूगोल स्टार्ट करेंगे निम्न में बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है खड़गपुर पहाड़ियाँ खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है जबकि रोहतास पठार विंध्यान विंध्या क्रम की है उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग्य है जो तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है जुलाई 2019 में भारत के महापाशनिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले परालेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस ज़िले का दौरा किया है कैमूर का जुलाई 2019 में बिहार के महापाशनिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले परालेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस ज़िले का दौरा किया है केमूर जिला का जुलाई 2019 में बिहार के महापाशनिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले परालेखन के लिए विशेषज्ञ के दल ने कैमूर जिले में कैमूर जिले का दौरा किया नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया है कि बिहार की भी बिहार भी एक महापाशनिक सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है रोहतास निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारावार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है रोहतास बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिमी बिहार का भाग है इस क्षेत्र में विद्या प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं बिहार में विध्यान कर्म की चट्टाने कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में में ही पीडमोट स्वेप स्वेप मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में बिहार के निम्न जिलों निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोट स्वेप मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में बिहार के बिहार में तीन प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं पिडमोट दलदली मिट्टी दलदल मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमी उत्तर भाग में पाई जाती है दूसरा है तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है तथा गंगाय जलोड बिहार का मैदान गैलेक्टिक जलोड यानी दोनों नए और साथ ही पुराने में आच्छादित है ब्राहिनी हिल ब्राहियोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है गया जिले में है ब्रोहिणी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है गया में ब्रोहिणी हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है इसका उल्लेख महाभारत और गौतम महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है गया जिला फलगु नदी के तट पर अवस्थित नगर है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है सौन नदी सॉरी निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है पुनपुन नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है पुनपुन नदी पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है मोरहर व दरदा पुनपुन की सहायक नदी है मरो मोरहर और दरदा पुनपुन की सहायक नदियां हैं बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है कोशी मगध से बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है कोसी मगध जोड़े से गंगा नदी बिहार यात्रा अपनी गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर भोजपुर राजसारण पटना वैशाली समस्तीपुर बेगूसराय खगड़िया मुंगेर भागलपुर कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है इस प्रकार कोसी मगध जोड़े में से किसी में भी प्रवाहित नहीं है अतः विकल्प डी सही उत्तर है यानी कि कोशी कोसी मगध जोड़ा बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है बाड़ा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है टोटल बारह बिहार राज्य में बारह जिला गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं जिसमें सारण बक्सर भोजपुर पटना वैशाली समस्तीपुर बेगूसराय लखीसराय मुंगेर खगड़िया भागलपुर व कटिहार शामिल हैं बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है पटना में बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है पटना जिला में गंगा नदी बिहार के बारह जिलों से होकर गुजरती है जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में निन्यानवे किलोमीटर है दूसरी स्थान पर भागलपुर आता है वही गंगा नदी की लंबाई वहाँ पे संतानवे किलोमीटर है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है उपयुक्त में से कोई नहीं बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि ऑप्शन नंबर ई दिए गए विकल्पों में कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है बल्कि ये नदियाँ उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सहायक या उप नदी के रूप में अंततः गंगा में मिल जाती है सोन पुनपुन आदि नदियाँ उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है सी डब्लू जी के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है सी डब्लू जी के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार उत्तरी उत्तर बिहार की जलवायु को सी जी से प्रदर्शित किया जा सकता है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं उत्तर पश्चिमी में बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र चार में आता है जिसमें मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है मट्टी के लक्षण वर्षा तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार को तीन उप क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया है दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी में वर्गित किया गया है उत्तर पश्चिमी जोन में कुल बारह जिले शामिल हैं जबकि उत्तर पूर्वी जोन में आठ जिले शामिल हैं दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान मैदानी जोन में सत्रह जिले शामिल हैं जिसमें से दक्षिण पूर्व जोन ए में छः जिले तथा दक्षिण पश्चिमी जोन बी में ग्यारह जिले शामिल हैं इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक ज़िला उत्तर पश्चिमी जोन में शामिल हैं मुजफ्फरपुर दरभंगा और चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है नवीन जलोढ़क मुजफ्फरपुर दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशता पाई जाती है नवीन जलोढ़ मिट्टी दरभंगा मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिले में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है गंडक बूढ़ी गंडक बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी में लाए गए मलबे गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर का निर्माण होता है यह मिट्टी धान गेहूँ पटसन गन्ना जैसे फसलों को के उत्पादन में सहायक होती है बिहार की सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है पूर्णिया बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है पूर्णिया उपयुक्त दिए गए विकल्पों में जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है जूट की खेती बिहार के आद्र क्षेत्र में होती है इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता उच्च तापमान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी हल्की वर्षा 105 से 115 सौ पंद्रह मिलीमीटर आवश्यक है आर्थिक समीक्षा दो हज़ार के अनुसार भारत में सर्व सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन का उनहत्तर पॉइंट अठहत्तर अड़सठ प्रतिशत बिहार प्रतिशत और बिहार दस पॉइंट बीस प्रतिशत तथा असम आठ पॉइंट तैंतीस प्रतिशत करता है अतः बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी उत्तरी कोयल नदी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी उत्तरी कोयल पाँच जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मदीना नगर में उत्तर कोयल यानी मंडल डैम परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजना का शिलान्यास किया इस यह परियोजना झारखंड के लातेहार पलामू और गढ़वा ज़िले में अवस्थित है यह परियोजना उत्तर उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी पर निर्मित है इस परियोजना में बिहार के औरंगाबाद और गया जिले, जिले। जिलों तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है गंडक नदी पे त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार में गंडक नदी पर किया गया है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए कैमूर के का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है यह पठार शैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर वंजा वंजारी में सीमेंट उद्योग है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है अनुपम झील निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है अनुपम झील अनुपम झील कैमूर बिहार में स्थित है यह झील कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा में स्थित है कैमूर वन्यजीन अभ्यारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर बबुआ के निकट स्थित हैं कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण है सांभर झील राजस्थान से जयपुर के निकट स्थित है सुखना झील चंडीगढ़ में तथा कामा झील हरियाणा में स्थित है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए उत्तर बिहार में कई नदियां बहती हैं जो गंगा नदी में मिलती है इस क्षेत्र में प्रति वर्ष बाढ़ आने के कारण यहां की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का दस प्रतिशत है इसके ऑप्शंस नहीं दिए हुए इसमें ई ऑप्शंस होंगे बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का डैश प्रतिशत है तो कुल प्रतिशत है सतहत्तर पॉइंट नौ प्रतिशत जो कि ऑप्शन में नहीं दिए हैं इसी कारण इसका ऑप्शन ई होगा बिहार आर्थिक समीक्षा 2021 हजार के अनुसार 2019-20 बीस में राज्य में कुल बोई गई भूमि ग्रॉस सोन एरिया बहत्तर सौ छियानवे पॉइंट इक्सी हजार हेक्टेयर थी जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग सतहत्तर पॉइंट नौ प्रतिशत है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है सोलह करोड़ टन बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है सोलह करोड़ टन बिहार में आ, बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई है बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार शून्य है परंतु अनुमानित भंडार सोलह करोड़ टन 160 मिलियन टन है बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन नंबर ई बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है ऑप्शंस में नहीं दिए जाने के कारण ऑप्शन नंबर ई हम लोग मानेंगे उपयुक्त प्रश्न व इसके दिए गए विकल्प दोनों गलत हैं इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प के रूप में देना संभव नहीं है बिहार में वन क्षेत्र की सही वस्तु स्थिति इस प्रकार है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट दो हज़ार इक्कीस के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्ड्स वन क्षेत्र चौहत्तर चौहत्तर सौ बयालीस वर्ग मीटर है जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सात पॉइंट नब्बे प्रतिशत है उपग्रही आंकड़ों में प्राप्त बिहार का वन क्षेत्र तिहत्तर पॉइंट अस्सी वर्ग किलोमीटर है जो सात पॉइंट चौरासी परसेंट है अतः सॉरी यदि अति सघन वन क्षेत्र तीन सौ तैंतीस पॉइंट बयालीस वर्ग किलोमीटर है मध्यम सघन वन बत्तीस सौ पचासी पॉइंट वर्ग किलोमीटर है तथा खुले वन सैंतीस सौ इकसठ पॉइंट चौवन वर्ग किलोमीटर है क्षेत्र में फैले हुए हैं बिहार के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले भभुआ कैमूर पश्चिमी चंपारण एवं रोहतास तथा न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले शेखपुरा अरवल जहानाबाद हैं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले भभुआ जमुई नवादा एवं न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले शेखपुरा सिवान और बक्सर हैं बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन वन्य वन क्षेत्र का प्रतिशत है ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन वन क्षेत्र का प्रतिशत है उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शंस में नहीं है इसके कारण ऑप्शन नंबर ई होंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट आई एस एफ आर दो हजार इक्कीस के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र वन सात पॉइंट चौरासी है जो कि ऑप्शन में नहीं दिए होने के कारण ऑप्शन नंबर ई है सात पॉइंट आठ चार प्रतिशत है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र वन से घिरा है पश्चिमी चंपारण निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है पश्चिमी चंपारण प्रश्नकाल और वर्तमान में पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वाले पतझड़ वन से घिरा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट दो तो के अनुसार पश्चिम चंपारण में कुल वन नौ वर्ग किलोमीटर तथा जिसमें दो सौ उनचास पॉइंट चौंतीस और पाँच सौ अड़तालीस पॉइंट सैंतालीस मध्यम सघन एवं एक सौ पॉइंट तिरपन वर्ग किलोमीटर खुले वन हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है कटिहार निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है कटिहार के दक्षिण पश्चिमी में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है मानचित्र में स्पष्ट है कि मानचित्र से स्पष्ट है कि कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ऑप्शन नंबर ई ये भी ऑप्शन में नहीं दिए हैं क्योंकि ये बिहार में बिहार का विभाजन से पहले के प्रश्न हैं इसलिए ये ऑप्शंस में हम लोग इसको देखते देखेंगे आगे तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल उस समय था एक लाख तिहत्तर हज़ार आठ सौ सतहत्तर वर्ग किलोमीटर था अब पंद्रह नवंबर दो हज़ार बीस को राज झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल चौरानवे हज़ार एक सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर है संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरक प्राप्त होता है हजारीबाग से संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरक प्राप्त होता है हजारीबाग से यानि केवल दो अवरक हजारीबाग ग्रीडी गिडीही ग्री कोडरमा में प्राप्त होता है यहाँ से लगभग अस्सी प्रतिशत अवरक यानि झारखंड अवरक झारखंड का प्राप्त होता है बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है बिहार भि... राज्य के नेपाल से लगे जिले जिलों पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण सतामढ़ी मधुबनी सुपौल अररिया किशनगंज में तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है बिहार की सुमेशर श्रेणी है बिहार की सुमेशर श्रेणी है इन सबों में नई बिहार की सुमेशर श्रेणी है इन में सब में सबसे नई बिहार की सुमेशर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लास्टोसिन काल में हुआ अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की उपेक्षा नव निर्मित पहाड़ी श्रेणी है मुंडा जनजाति जनजातियाँ अधिकांशता वसी है बिहार में मुंडा जनजातियाँ अधिकांशता वसी है बिहार में तत्कालीन बिहार के कटिहार रांची पश्चिमी सिंहभूम पलामू पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों में मुंडा जनजाति संकेंद्रित थी पंद्रह नवंबर 2020 को 2000 को बिहार में बिहार से काट का नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की पाँचवीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्र राजमार्ग नंबर तेईस बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्र राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर तेईस राष्ट्रीय राजमार्ग तेईस तत्कालीन तो संयुक्त बिहार के चास से रांची गुमला पालकोट तथा नगर, नगर से जोड़ता को जोड़ता था तीस नवंबर दो हजार के अनुसार बिहार में निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं सत्ताईस ईडब्ल्यू इकतीस तैंतीस दो सौ इकतीस तीन सौ सत्ताईस दो सौ सत्ताइस बत्तीस एक सौ बीस उन्नीस जिक्यू आदि बिहार में राष्ट्र राजमार्ग नेशनल हाईवे की कुल लंबाई एन एच ए आई के इकतीस अगस्त दो हज़ार इक्कीस तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उन्सार उनसठ सौ चालीस किलोमीटर है राष्ट्र राजमार्ग संख्या सत्ताईस ईडब्लू सबसे लंबा है इसकी लंबाई चार सौ सतासी किलोमीटर है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है ऑप्शन नंबर ई इसमें से नहीं दिया गया है इसलिए ऑप्शन नंबर ई होंगे बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं अगला प्रश्न है छोटा नागपुर के जंगल हैं सावना का छोटा नागपुर के जंगल हैं तो हम लोग को इसमें कूट देखना पड़ेगा छोटा नागपुर के जंगल हैं दो और तीन यानी पतझड़ और सावना यानी कि ऑप्शन नंबर सी दो और तीन दोनों सही हैं छोटा नागपुर के जंगल हैं पतझड़ और सावना यानी कि दो और तीन दोनों ही सही हैं छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है जिनमें महुआ खैर समेल शीशम आम और बरगद प्रमुख हैं साथ ही यहाँ सावना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं घास भूमियों झाड़ियाँ के क्षेत्र य वृक्ष की उपस्थिति में सावना प्रकार के वन की विशेषता है बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है रांची में, में, में बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है रांची में तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना उन्नीस में रांची में की गई थी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण मशीन टूल्स स्पेयर पार्ट्स का निर्माण कर देश के प्रमुख उद्योगों को उनकी आपूर्ति करती है टाटा लोह इस्पात कारखाने में लोह अयस्क की पूर्ति होता है सिंहभूम से टाटा लोह इस्पात कारखाने में लोह आयस्क की पूर्ति होती है सिंहभूम से टाटा लोह इस्पात कारखाने में लोह आयस्क की पूर्ति सिंहभूम क्षेत्र से होती है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिमी चंपारण में।, में निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिमी चंपारण में वर्तमान में बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क यानी वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है उपयुक्त में से कोई नहीं बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन नंबर ई वर्ष 2000 में पूर्व संयुक्त बिहार से पूर्व संयुक्त बिहार झारखंड एवं बिहार के हजारीबाग में वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे लेकिन वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में स्थित है जिसके इसके कारण हजारीबाग आंसर नहीं होकर ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं होगा निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है भीम बांध निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है भीम बांध भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण की स्थापना वर्ष उन्नीस में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी इसका कुल क्षेत्रफल छः पॉइंट वर्ग किलोमीटर है दिए गए अन्य विकल्पों में वाल्मीकि वन्यजीव वन्य प्राणी अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया जिले में तथा राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा जिले में स्थित हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव लाइफ के लिए प्रसिद्ध है बोधगया निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव वाइल्डलाइफ के लिए प्रसिद्ध है बोधगया <tical noise> कोयले पर चलने वाले तीन थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार हैं बोकारो चंद्रापुर और सीतालडेह कोयले पर चलने वाले तीन थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार हैं बोकारो चांदपुर और सीतालडेह बोकारो चांदपुर सीतलडी तीन पावर स्टेशन हैं जो कोयला आधारित हैं वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में हैं वर्तमान में बिहार में बरौनी बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन एन द्वारा संचालित है दोस्तों ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो हम लोग ध्यान रखेंगे वर्तमान में बिहार में बरौनी बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन एन द्वारा संचालित हैं बिहार में मिथेन उत्पादन करता है जल शक्ति बिहार में मिथेन, मेथेन उत्पादन करता है जल शक्ति मेथेन डैम मेथेन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बड़ाकर नदी पर किया गया है यहाँ पर जल विद्युत षडयंत्र की स्थापना की गई मेथन बांध झारखंड के धनबाद जिले में जबकि मेथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है पैंतालीस पॉइंट पचासी प्रतिशत पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है पैंतालीस पॉइंट पचासी प्रतिशत झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल एक लाख तिहत्तर हज़ार आठ सौ सतहत्तर वर्ग किलोमीटर था इसमें से उनहत्तर हज़ार सात सौ चौदह वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पंद्रह नवंबर दो हज़ार बीस को नया झारखंड राज्य निर्मित किया गया अंततः पुराने बिहार राज्य का पैंतालीस पॉइंट चौरासी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल चौरानवे हज़ार एक सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर है झारखंड बनाने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए हैं सैंतीस uh, यानी कि अभी के हिसाब से अड़तीस जिले एक ज़िला बाद में बना है झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए हैं यानी कि उस समय के हिसाब से सैंतीस लेकिन अभी के हिसाब से अड़तीस ज़िले झारखंड बनने के पश्चात बिहार में सैंतीस जिले रह गए थे झारखंड निर्माण से पूर्व बिहार में पचपन जिले थे नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार के अठारह जिले चले गए थे वर्तमान में बिहार में अड़तीस जिले हैं अड़तीसवां जिला अरवल अगस्त दो में जहानाबाद को विभाजित कर बनाया गया है बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है नवासी पॉइंट दो जीरो लाख हेक्टेयर बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है नवासी पॉइंट दो जीरो लाख हेक्टेयर संयुक्त बिहार में नवासी लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में संचित था किंतु वर्तमान में दो हज़ार बिहार का लगभग इक्सी पॉइंट इक्यानवे लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता है वही संभावित क्षमता एक सौ इकहत्तर सॉरी एक सौ सत्रह पॉइंट चौवन लाख हेक्टेयर है मुड़ी जाना जाता है मुड़ी जाना जाता है एलुमिनियम प्लांट हेतु मुड़ी जाना जाता है एलुमिनियम प्लांट हेतु मुड़ी में हिंडा हिंडालोलको का अल्मोनियम शोधन षडयंत्र है वर्तमान में मुड़ी झारखंड राज्य में है कौन सा प्रमुख उद्योग मुड़ी से मुड़ी में स्थापित है अल्मोनियम उद्योग कौन सा प्रमुख उद्योग मुड़ी में स्थापित है अल्मोनियम उद्योग पटना का स्थानीय स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से थोड़ा आगे पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे है पटना का, का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है भारत का मानक समय बेरासी डिग्री बेरासी पॉइंट तीस डिग्री पूर्व पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज इलाहाबाद एवं मिर्जापुर से होते हुए गुजरती है से निर्धारित होती है भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से साढ़े पाँच घंटा आगे है जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है क्योंकि पटना पचासी पॉइंट तेरह डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है जुलाई दो हज़ार अठारह तक पटना जिला बिहार के कितने जिले से सीमाविद्ध था नौ जिले से जुलाई 2018 तक बिहार 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था नौ जिले से पटना जिले के सीमा भोजपुर सारण वैशाली समस्तीपुर बेगूसराय लखीसराय नालंदा जहानाबाद तथा अरवल जिलों से संबंध है बिहार में कृषि योग भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है पचास प्रतिशत से अधिक बिहार में कृषि योग भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है पचास प्रतिशत से अधिक बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार बिहार के शुद्ध बोया गया क्षेत्र छप्पन पॉइंट तीन लाख हेक्टेयर छप्पन पॉइंट जीरो तीन लाख हेक्टेयर है तथा शुद्ध संचित क्षेत्र तैंतीस पॉइंट इक्यावन लाख हेक्टेयर है जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का उनसठ पॉइंट आठ जीरो प्रतिशत है पूरब में बंगाल का दुख पूरब में बंगाल का दुख सौरभ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है दामोदर नदी पूर्व में बंगाल का दुख यानी सौरव बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है दामोदर नदी दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है दामोदर नदी झारखंड के लातेहार ज़िले से उद्गमित होता है होती है बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी सबसे दूसरी फसल है गेहूं गेहूं बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है गेहूं बिहार आर्थिक समीक्षा इक्कीस दो हजार इक्कीस बाईस के अनुसार विभिन्न फसलों का उत्पादन इस प्रकार था कुल खाद्यान्न उत्पादन एक सौ उनासी पॉइंट बावन लाख टन चावल उसमें से सात हज़ार तीन सौ बिरानवे पॉइंट बहत्तर हज़ार टन गेहूँ छिया च्या, छियासठ सौ पैंतीस पॉइंट जीरो तू जीरो टू जीरो, जीरो दो हज़ार टन मक्का पैंतीस सौ इक्कीस पॉइंट एक इकतालीस हज़ार टन दो हज़ार सोलह में मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला है भारत को और चना चौवन पॉइंट पचास हजार टन नोट है भारत सरकार ने दो जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए राज्य को कृषि कर्मन पुरस्कार दिया गया है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल गेहूं और मक्का बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल गेहूं एवं मक्का बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें चावल गेहूं और मक्का है बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है आत्मनिर्भरता यानी केवल चार बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है केवल आत्मनिर्भरता केवल चार बिहार में कृषि में आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला राज्य है इनमें से कौन सा सत्य है इनमें से कौन सा सत्य है? है।, है बिहार कोयले और अभरक का मुख्य उत्पादक रहा है इनमें से कौन सा सत्य है बिहार कोयले और अभरक का मुख्य उत्पादक पहले रहा है बिहार कोयले और अबरक का मुख्य उत्पादक था परंतु झारखंड राज्य बनने के बाद अब ऐसा नहीं रहा उड़ीसा को वर्ष 1936 में बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया था झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती बिहार में दो शासनीय विधायिका है पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है लो आयस्क के लिए पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है लोह आयस्क के लिए इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 के अनुसार झारखंड के पलामू जिले में निम्न खनिजों के भंडार हैं बायराइट हैं बॉक्साइट हैं डोलोमाइट हैं फायर क्ले है ग्रेफाइट है मैग्नेटाइट लोह है पौज... स्टीराइट है एस्ट, रॉक फॉस्पिट है लाइम स्टोन है फ्लास्फर है एंडलूसाइट है और ग्रेनाइट है उपयुक्त विकल्प में से विकल्प में ए और डी सही है किंतु वर्तमान में पलामू अपने मैग्नेटाइट लोहायस्क के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है उपयुक्त में से कोई नहीं देश में कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है उपयुक्त में से कोई नहीं इनमें से कोई आंसर सही नहीं दिया गया है बिहार में वर्तमान में भारतीय माइंस ब्यूरो 2019-20 बीस की रिपोर्ट के अनुसार भारत अनुसार देश में कुल खनिज उत्पादन मूल्य परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर जबकि कुल खनिजों में बिहार का हिस्सा तीन प्रतिशत तक है देश के देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है दूसरा बिहार में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या ही स्थान है दूसरा तांबा उत्पादन का में तत्कालीन बिहार का स्थान दूसरा था अंततः तत्कालीन परिस्थितियों में अभीष्ट विकल्प सी है वर्तमान में तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है निम्न में से कौन सा न, कौन निम्न में से कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं निम्न में से कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं तो कोयला मिलते हैं और लोहा मिलता है और मैग्नीज मिलता है यानी कि निम्न में से अपना उत्तर चुनने में एक दो और तीन तीनों मिलते हैं तत्कालीन बिहार झारखंड वर्तमान झारखंड में कोयला अयस्क तथा मैग्नीज तीनों ही मिलते थे पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभीष्ट विकल्प सी है बिहार में वर्तमान में उत्पादित होने वाले खनिज हैं लाइमस्टोन स्टोन पैराइट और राइट, राइट. खनिज और खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है लाइमस्टोन स्टोन कैमूर सही है खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सही है लाइमस्टोन कैमूर में मिलते हैं बिहार में कैमूर भभुआ मुंगेर तथा रोहतास जिले में लाइमस्टोन मायका नवादा ज़िले में क्वाजाइट लखीसराय में मुंगेर हाँ में मुंगेर तथा नालंदा जिले में लेड जिंक और बांका और रोहतास ज़िले में पाया जाता है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन वनच्छादित प्रतिशत है लगभग उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन नंबर ई इसको मानेंगे हम लोग बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग ऑप्शन में नहीं दिए होने के कारण ऑप्शन नंबर ई होंगे प्रश्नकाल में वर्ष उन्नीस सौ संतानवे की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का पंद्रह पॉइंट सात प्रतिशत वन आच्छादित था जो कि ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं इसलिए ऑप्शन इसका ई हो जाएगा और भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट दो हज़ार इक्कीस के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का सात पॉइंट चौरासी प्रतिशत भाग का वन है बिहार में लोह अयस्क प्राप्त होता है सिंहभूम जिले से बिहार में लो एस्क प्राप्त होता है सिंहभूम ज़िले से लो एस्क झारखंड तत्कालीन बिहार के सिंहभूम क्षेत्र से प्राप्त होता था तत्कालीन परिस्थितियों में अभिष्ट विकल्प डी है वर्तमान बिहार में लो एस्क का उत्पादन नहीं होता है भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है चूना पत्थर का बिहार में भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है चूना पत्थर का झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है दिए गए खनिजों में बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है बिहार में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है पाइराइट्स में भारत में निम्नलिखित में के उत्पादन में बिहार का एकाध एकाधिकार है पायराइट में बिहार के किस जिले में अवरक का भंडार है बिहार के किस जिले में अवरक का भंडार है ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए इंडियन मिनरल्स ईयरबुक दो हजार उन्नीस के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अबड़क का भंडार है यानि कि उपयुक्त में से कोई नहीं बिहार में किस जिले में अबड़क का भंडार है उपयुक्त में से कोई नहीं क्योंकि ये नवादा बिहार के नवादा जिले में अबड़क का भंडार है झारखंड और लोह ऐस उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है सिंहभूम झारखंड का लोह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है सिंहभूम झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र लोह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है यहाँ से प्राप्त लोह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर और बकारो इस्पात उद्योग में किया जाता है उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा था सही जोड़ा जोड़ा सही नहीं है सही जोड़ा नहीं है ऑप्शन नंबर रेल डिब्बा और अभियंत्री भागलपुर में नहीं है ऑप्शन नंबर डी उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो रेल डब्बा और अभियंत्री भागलपुर में नहीं है बाकी ऑयल रिफाइनरी बैर में है बिल्कुल सही सीमेंट बंजारी में है बिल्कुल सही फर्टिलाइज़र भोराही में है बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त आंसर में रेल डिब्बा और अभियंत्री की उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है शेष युग में बिल्कुल सही थे बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर लॉन्गिच्यूट के मध्य में इनमें से कोई नहीं होगा बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर लॉन्गिट्यूड के मध्य यानी कि बिहार राज्य तेरासी पॉइंट उन्नीस पचास पूर्व में और अठासी डिग्री सत्रह मिनट चालीस सेकेंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर नहीं दिया यानी कि ई यानी कि इसमें तीन राज्य भारत के बिहार की सीमा लगने वाले भारत के राज्यों से तीन राज्यों से सीमा लगते हैं यानी कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है अब आंसर तीन हो जाएंगे विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल एवं झारखंड हैं बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है एक भ्रास घाटी में बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है एक भ्रास घाटी में दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहते हैं का उद्गम स्थल उद्गम छोटा नागपुर पठार छोटा नागपुर पठार से होता है या एक भ्रास घाटी से होकर प्रवाहित होती है निम्नलिखित नदियों में कौन सा बिहार में गंगा में मिलती है निम्नलिखित में से निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बिहार में गंगा से मिलती है कूट के हिसाब से आंसर हम लोग को चुनना है तो हम लोग देखते हैं गंडक भी मिलती है सोन भी मिलती है घाघरा मिलती है पुनपुन यानी कि एक दो तीन चार सभी नदियाँ गंगा से मिलती है बिहार की सभी नदियाँ इनमें से दी हुई सभी गंगा से मिलती है यानी कि ऑप्शन नंबर ए एक दो तीन चार गंडक फहलाजा घाट पटना नामक स्थान के निकट घाघड़ा सरयू रेविलगंज सारण के निकट सोनपटना के निकट तथा पुनपुन -पुन, फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा नदी में मिलती है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है कांवड़ झील बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है कांवड़ झील जुलाई 2020 में कावड़ ताल या कांवड़ झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है यह झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है मई 2022 तक बिहार में कुल उनचास रामसर अर्ध स्थल घोषित हैं छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी पर। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी पर छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वन आधारित थी छोटा नागपुर पठारी इलाका है यहाँ कृषि कार्य सहज नहीं हैं प्रारंभ में तकनीकी विकास के अभाव से न तो यहाँ उद्योग विकसित थे और न ही खनन कार्य संभव था सत्रहवीं शताब्द सताव... सत्रहवीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी पटना में सत्रहवीं शताब्दी में बिहार में सोने की खाने कहां स्थित थी पटना में फिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से बिहार के कौन बिहार के कौन सा जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए हैं पूर्णिया और मानभूम निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए हैं पूर्णिया और मानभूम वर्ष उन्नीस सौ छप्पन में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया और अधिकांश भाग चार स्थाने को छोड़कर तथा पूर्णिया का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं बिहार में जंगल फैले हुए हैं उनतीस लाख ,00 हेक्टेयर क्षेत्र पर बिहार में जंगल फैले हुए हैं उनतीस लाख ,00 हेक्टेयर क्षेत्र पर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट उन्नीस के अनुसार कुल उनतीस पॉइंट बाईस लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल थे भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून की वन स्थिति रिपोर्ट दो हज़ार के अनुसार बिहार में उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार तिहत्तर सौ अस्सी पॉइंट सात नौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो सात पॉइंट चौरासी परसेंट कुल क्षेत्रफल का है पर वनाच्छादित हैं बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं बिहार में वन क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है ऑप्शन में नहीं दिए हैं ऑप्शन नंबर ई आई एफ एस आर दो हजार आई एस आई एफ एस आर उन्नीस सौ के अनुसार संयुक्त बिहार झारखंड सहित का वनच्छादित पंद्रह पॉइंट तेईस प्रतिशत था जो ऑप्शन में नहीं दिए होने के कारण ऑप्शन नंबर ई होगा इसका आंसर आई एस आई एफ एस आर दो हज़ार इक्कीस के अनुसार इसको हम लोग फैक्ट्स को याद रखेंगे दोस्तों आई एफ एस आर दो हज़ार इक्कीस के अनुसार सात पॉइंट चौरासी परसेंट क्षेत्र पर वन है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात्र हुंडू किस जगह पर है रांची में है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात फॉल्स हुंड्रू किस जगह पर है रांची पे है हुंडू जलप्रपात रांची के निकट स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है बिहार का अधिकांशतः अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछाड़ी मिट्टी से बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछाड़ी मिट्टी से बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछाड़ी मिट्टी या दामोट मिट्टी से आच्छादित है बिहार बिहार का की शास्य गहनता कितनी है एक सौ अट्ठाइस परसेंट बिहार की शास्य गहनता आ, कितनी है एक सौ अट्ठाइस प्रतिशत वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में आर्थिक समीक्षा दो हजार इक्कीस बाईस बिहार की सास गहनता एक सौ चौवालीस प्रतिशत है जबकि प्रश्नकाल में एक सौ अट्ठाइस प्रतिशत थी आजादी के बाद बिहार आजादी संचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग दस गुना आजादी के बाद बिहार में संचित क्षेत्र लग लग बढ़कर लगभग दस गुना हो गया है आजादी के समय कुल स... सिर्जित सिंचाई क्षमता लगभग चार लाख हेक्टेयर थी जो वर्तमान दो हज़ार बीस इक्कीस में इक्सी पॉइंट नौ एक लाख हेक्टेयर है बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र हैं बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र हैं इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंबर ई क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है ऑप्शंस में बिहार आर्थिक समीक्षा दो हज़ार इक्कीस बाईस के अनुसार वर्ष दो हज़ार उन्नीस बीस में पचास पॉइंट सतहत्तर लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार में कृषि के अंतर्गत है बिहार में किस प्रकार के उद्योग की, की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं कृषि आधारित उद्योग के बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं कृषि आधारित उद्योग के बिहार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी खाद्य प्रसारण प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित पर तथा वस्त्र परिधान चमड़ा आधारित उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं चिन्हित की गई है स्रोत उद्योग मित्र पोर्टल बिहार सरकार के द्वारा अगला खंड है दोस्तों कृषि और उद्योग एवं विविध ये ये भी बहुत, भी बहुत ही महत्वपूर्ण है 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था जीरो पॉइंट पाँच सात चार दो हज़ार उन्नीस में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था जीरो पॉइंट सा जीरो पॉइंट पाँच सात चार वर्ष दो हज़ार उन्नीस में बिहार के मानव विकास सूचकांक एच का मान वैल्यू जीरो पॉइंट पाँच सात चार था बिहार सरकार ने एक अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली सी एफ एस एम एस शुरू की यह प्रणाली थी राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागजात रहित बनाना बिहार बैंकों को एनपीए की समस्या को हल करेगी बैंकों की एनपीए की समस्या को हल करेगी राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी तथा तथा स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वृत्ति का प्रबंधन करेगी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि इसमें से ज़्यादातर काम सर बिहार सरकार ने बजट प्रबंधन के लिए टीसीएस कंपनी से एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है जिसका नाम सीएम सीएफएमएस सी एफ एम फिनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है यह प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी समय में बचत कराएगी और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगी बिहार भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मन पुरस्कार प्रदान किया यह पुरस्कार दिया गया है मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए यानी ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार ने दो जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मन पुरस्कार प्रदान किया है यह पुरस्कार दिया गया है मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को मक्का और गेहूं के क्षेत्र में लगातार उत्पादन के साथ उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषि पुरस्कार दिया गया है बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीवाकोपर्जन योजना शुरू की है इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को बेरोजगारी भरता देना ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के माध्यम से रोजगार प्रदान करना अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली पर प्रदान करना युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क परीक्षण प्रदान करना लेकिन से सतत जीवाकुपर्जन योजना इनसे किसी में इनमें से संबंधित नहीं है इसलिए इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन नंबर ई बिहार सरकार ने पांच अगस्त 2018 को सतत जीवाकुपार्जन योजना का शुभारंभ किया था यह योजना देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री के पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार जिनकी राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है जैसे निर्धन परिवारों के साथ ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई है ऐसे परिवारों को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत आजीविका एवं क्षमता निर्माण हेतु साठ हज़ार से एक लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी बिहार सरकार के सात निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है बाल कल्याण बिहार सरकार के सात निश्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है बाल कल्याण बिहार सरकार ने पाँच वर्षों के लिए न्याय के साथ विकास पर आधारित साझा कार्यक्रम तय किया था सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए सात निश्चय लिए गए हैं जिन्हें सुशासन के कार्यक्रम 2015 से 20 में सम्मिलित किया गया जिसे मंत्रिमंडल सचिवालय दो हज़ार द्वारा इक्कीस दिसंबर 2016 के द्वारा लागू किया गया सात निश्चय में शामिल हैं आर्थिक हल युवाओं को बल दूसरा है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार तीसरा है हर घर बिजली लगातार चौथा है हर घर नल का जल पाँचवा है घर तक पक्की गर, गली नल गली और नालियाँ छठा है शौचालय निर्माण घर का सम्मान सातवां है अवसर आगे बढ़ें अवसर बढ़ें आगे बढ़ें आगे पढ़ें निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा एस एस का भी प्रदान नहीं किया गया बिहार को निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा यानी कि एस सी एस कभी प्रदान नहीं किया गया विशेष राज्य का दर्जा बिहार को अभी तक नहीं मिला है जम्मू कश्मीर असम नागालैंड को वर्ष उन्नीस उनहत्तर में हिमाचल प्रदेश को उन्नीस सौ इकहत्तर में मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा को वर्ष उन्नीस सौ बहत्तर में सिक्किम अरुणाचल प्रदेश और, और मिज़ोरम को वर्ष उन्नीस सौ पचहत्तर में तथा तो उत्तराखंड को 2001 में विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया यद्यपि वर्ष 2013 में बिहार सरकार ने भी विशेष राज्य दर्जा प्राप्त करने की मांग की थी परंतु असफल रहा अंततः विकल्प ए यानी कि बिहार सही है पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 2026 तक केंद्रीय केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा उपयुक्त में से कोई नहीं पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार दो से छब्बीस तक केंद्रीय ब्यूरो केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को कितना प्रतिशत कितना हिस्सा प्राप्त होगा हो उपयुक्त में से कोई नहीं क्योंकि ऑप्शंस में दिया ही नहीं है पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार दो हज़ार इक्कीस से छब्बीस तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को दस पॉइंट जीरो आठ पाँच आठ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होगा जो कि सभी राज्यों से में दूसरा सर्वाधिक है सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा सत्रह पॉइंट नौ, नौ नौ तीन नौ प्रतिशत उत्तर प्रदेश को प्राप्त है डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र दो हज़ार इक्कीस बाईस में कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि सभी इनमें से डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत छठी कक्षा से लेकर ऊपर तक सभी कक्षाओं के अभ्यर्थी कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके किस लिए दिया गया था कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन के दौरान बिहार के फंसे बिहार में लोगों के सेवाओं प्रदान करने के लिए बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों के सेवाओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए कोविड नाइन्टीन के दौरान बिहार का बिहार सरकार द्वारा अपने नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार सरकार मुख्यमंत्री सचिवालय आपदा प्रबंधन विभाग और राष्ट्र सूचना विज्ञान केंद्र को डिजिटल इंडिया अवार्ड दो प्रदान किया है बिहार में वर्ष दो हज़ार के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित तो नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं क्योंकि वर्तमान में बिहार राज्य में आई, आई 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 टी आई का संचालन शर्म संसाधन विभाग और पॉलिटिकल संस्थान पॉलिटेक्निक संस्थान का संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया गया है जिससे दोनों क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना आसान नहीं होता इसलिए समन्वय स्थापित करने तथा कौशल एवं उद्यमिता विकास हेतु बिहार बजट दो हज़ार में एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एंड उद्यमिता एवं उद्यमिता विभाग के गठन की घोषणा की गई थी हालांकि प्रश्न में मंत्र प्रश्न में मंत्रालय शब्द दिया गया है जिसके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई है हो सकता है लेकिन लेकिन मंत्रालय का तात्पर्य यदि विभाग से हो तो इसका उत्तर विकल्प डी हो सकता है क्योंकि ऑप्शंस में कौशल और उद्यम कौशल और उद्यमिता विकास दिया हुआ है इसलिए ऑप्शन डी भी सही हो सकता है अगर मंत्रालय को हम लोग देखेंगे अगर मंत्रालय के बारे में पूछा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था सुशील मोदी के द्वारा बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था सुशील मोदी के द्वारा मार्च 2007 में बिहार के इतिहास में प्रथम बार आर्थिक सर्वेक्षण तत्कालीन उपमुख्यमंत्री एवं राज्य वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया था वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट भी वर्तमान उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया बिहार में मानव विकास उपमिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं सात विभाग शामिल हैं बिहार में मानव विकास उपमिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं सात विभाग बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत सात विभाग शामिल हैं जो निम्न हैं स्वास्थ्य विभाग शिक्षा विभाग समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है इनमें दिया हुआ नहीं है क्योंकि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका आंसर उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित उत्तर पत्रांक में इस प्रश्न का उत्तर को तारांकित किया गया था बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे छः आदित्यपुर बोकारो पटना रांची दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित प्राधिकरण थे छह विभाग थे छह जगह थे जहाँ पे आदित्यपुर बोकारो पटना रांची दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर थे बि, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में छह यथा आदित्यपुर बोकारो रटना रांची दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकास भि, प्राधिकरण थे वर्तमान में पटना भागलपुर मुजफ्फरपुर और दरभंगा को औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है बिहार राज्य पर्यटक पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है विस्फुल बिहार बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है ट ब्लिसफुल बिहार बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम राज्य में पर्यटन के विकास के लिए जिम्मेदार है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन ब्लिसफुल बिहार है यानी ब्लिसफुल बिहार बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 हजार कहाँ आयोजित हुआ मोतिहारी में बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 हज़ार कहाँ आयोजित हुआ मोतिहारी में बिहार में 19 से 11 19 से फरवरी नौ से 11 फरवरी 2019 के मध्य कृषि कुंभ मेला 2019 महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मोतिहारी में आयोजित हुआ नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है बत्तीस पॉइंट ग्यारह नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार का राज्य स्कोर है राज्य का स्कोर है बत्तीस पॉइंट ग्यारह प्रश्नकाल में विकल्प सी सही था दिसंबर में 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सूचकांक 2019 20 चतुर्थ दौर में बिहार का स्कोर इकतीस पॉइंट जीरो जीरो है रिपोर्ट के अनुसार बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष पाँच राज्य बड़े राज्य हैं केरल चौहत्तर पॉइंट एक तमिलनाडु पैंसठ पॉइंट एक तीन तेलंगाना तिरसठ पॉइंट निन्यानवे आंध्र प्रदेश तिरसठ पॉइंट बावन मध्य महाराष्ट्र तिरसठ पॉइंट जीरो एक रिपोर्ट के अनुसार खराब प्रदर्शन कार्य करने वाले पांच बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश तीस पॉइंट संतावन बिहार इकतीस पॉइंट जीरो जीरो मध्य प्रदेश छत्तीस पॉइंट बहत्तर राजस्थान इकतालीस पॉइंट तैंतीस और उत्तराखंड चौवालीस पॉइंट इक्कीस इक्कीस सितंबर दो हज़ार बीस को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है बिहार में इक्कीस सेप्टेम्बर दो को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है बिहार में सितंबर दो हजार बीस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा दो हजार बीस में शुरू किया गया था खगड़िया द्वारा गरीब कल्याण रोजगारी अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था खगड़िया के द्वारा बीस 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोज़गार और ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों के से संबंधित गरीब कल्याण रोज़गारी अभियान का शुभारंभ बिहार के खगड़िया जिले से किया गया इस अभियान का उद्देश्य कोविड नाइन्टीन महामारी में, में प्रभावित बड़ी संख्या में घर वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना तथा अपने क्षेत्र गाँवों में आजीविका का अवसर मुहैया कराना है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात है 935। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात है 935। जनगणना दो हज़ार ग्यारह के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात जीरो से छ आयु की समूह की जनसंख्या नौ सौ पैंतीस था वर्ष दो हज़ार सत्रह अठारह के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र का विकास दर था चौदह पॉइंट प्रतिशत। वर्ष दो हजार सत्रह अठारह के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी चौदह पॉइंट प्रतिशत। बिहार आर्थिक समीक्षा 2018 19 के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र का आ, की विकास दर इस, स्थिर दो हज़ार एवं चालू कीमतों पर क्रमशः चौदह पॉइंट छः प्रतिशत एवं सत्रह पॉइंट नौ प्रतिशत थी बिहार आर्थिक समीक्षा दो हज़ार इक्कीस बाईस के अनुसार दो हज़ार इक्कीस दो हज़ार बीस इक्कीस में स्थिर मूल्य पर प्राथमिक एवं द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का विकास दर है कर, क्रम जीरो पॉइंट जीरो प्रतिशत द्वितीय है जीरो पॉइंट दो प्रतिशत और तृतीय क्षेत्र में है जीरो पॉइंट एक प्रतिशत वर्ष दो हज़ार सत्रह अठारह में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी था चार चार लाख सतासी हज़ार छः सौ अट्ठाइस करोड़ वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमत पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जी जी एस डी पी चार लाख सतासी हज़ार छः सौ अट्ठाइस करोड़ रुपए है बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार चालू करंट एवं स्थिर 2011-12 कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जी एस डी पी वर्ष दो हज़ार बीस इक्कीस में क्रमशः छः सौ पॉइंट तिरसठ हज़ार करोड़ रुपए एवं चार सौ उन्नीस पॉइंट हज़ार करोड़ रुपए था बिहार में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है कृषि यंत्र बैंक बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है कृषि यंत्र बैंक अक्टूबर 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई रवि महायान महाअभियान के समय किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने हेतु जरूरी किसान कृषि यंत्र के लिए तेरह जिले में तीन सौ कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई थी दो हजार इक्कीस बाईस के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है दो हज़ार इक्कीस में दो हज़ार बाईस इक्कीस बाईस के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है बाईस हज़ार पाँच सौ ग्यारह करोड़ रुपये दो हज़ार इक्कीस बाईस के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है बाईस हजार पाँच सौ ग्यारह करोड रुपए दो हजार इक्कीस बाईस के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है बाईस हजार पाँच सौ ग्यारह करोड रुपए बिहार बजट अनुमान दो हज़ार के अनुसार वर्ष दो हज़ार में राजकोषीय घाटा बाईस हज़ार पाँच सौ ग्यारह करोड़ रुपए, यानी कि बाईस हज़ार पाँच सौ ग्यारह करोड़ रुपए अनुमानित था जबकि बजट अनुमान 2022-23 में हेतु यह पच्चीस हजार आठ सौ पचासी पॉइंट ग्यारह करोड़ रुपए अनुमानित है जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का तीन पॉइंट सैंतालीस प्रतिशत है बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने संविधान सर्वाधिक सर्वाधिक एच एफ डी आई अंतर प्रवाह को आकर्षित किया है उपयुक्त में से कोई नहीं प्रमाणित स्रोत के अभाव के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था बिहार की इस योज, उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोमुखी इकाइयों की आ, स्थापना के लिए अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय अवसर सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है एक्सपर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क ए पी आई ओ आई पी ए पी ई पी आई पी बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातमुखी इकाइयों की स्थापना के लिए उपेक्षित उच्च स्तरीय अवसरचनात्मक अवसर, अवसर सुविधा के निर्माण पर ध्यान देती है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क ई e पी आई पी बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडस्ट्रियल पार्क एक से अधिक उत्पादन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है जो कि हाजीपुर में स्थित है यह निर्यातमुखी इकाइयों के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है बिहार राज्य की शिशु मरांक दर है झारखंड में अधिक बिहार राज्य की शिशु मरांक दर है झारखंड राज्य झारखंड में अधिक प्रश्नकाल में बिहार में शिशु मृत्यु दर प्रति हज़ार जन्म पर चौवन थी जो इस संदर्भ में झारखंड छियालीस से अधिक थी और अखिल भारतीय स्तर पर तिरपन से भी अधिक थी बिहार में वर्ष २०१९ में शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोटरिटी रेट प्रति हज़ार जन्म पर उनतीस है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर भी शिशु मृत्यु दर तीस तथा झारखंड में सत्ताईस है 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है तीसरा सबसे बड़ा राज्य है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य था तीसरा सबसे बड़ा राज्य था 1991 की जनगणना के अनुसार संयुक्त बिहार झारखंड सहित की जनसंख्या आठ पॉइंट छः तीन सात करोड़ थी जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के जनसंख्या तेरह पॉइंट बासठ करोड़ के पश्चात सर्वाधिक थी इस प्रकार उन्नीस सौ इक्यानवे में बिहार भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य था दो हज़ार एक की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार भी बिहार तीसरा स्थान पर है इस क्रम में उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र प्रथम स्थान पहला तथा दूसरा है पहला और दूसरा है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाले पांच राज्य निम्न प्रकार से हैं उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है पटना में गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है पटना में गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है जो पटना में स्थित है इसमें पटना के स्लम बस्ती के पाँच सौ से अधिक बच्चे अपनी बचत के पाँच दस रुपये जमा कराते हैं और इन पैसों को अपनी शिक्षा के अलावा अन्य आकस्मिक ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं यह बैंक बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की संस्था किलकारी बिहार किलकारी बिहार के जरिए संचालित होती है इस बैंक का संचालन बच्चों द्वारा ही किया जाता है बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है भूमि सुधारों की असफलता राजनीतिक इच्छा का अभाव श्रमिक श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या यानी उपयुक्त में इनमें से सभी बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है भूमि सुधार में असफलता राजनीतिक इच्छा का अभाव और श्रमिक वर्ग का अधिक संख्या यानी कि इनमें से सभी बिहार राज्य भारत के सर्वाधिक गरीब राज्यों में से एक है बिहार की इस गरीबी के प्रमुख कारण राज्य में भूमि सुधारों की असफलता रही है भूमि सुधार की इस सफलता असफलता के पीछे मुख्य कारण राजनीतिक इच्छा का अभाव रहा है पुनः औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य होने के कारण बिहार में श्रमिक वर्ग की संख्या भी काफ़ी अधिक रही है अंततः उपयुक्त तीनों विकल्प बिहार के पिछड़ेपन एवं तर्जनित गरीबी के प्रमुख कारण हैं बिहार में पटसन उद्योग की मिट्टी स्थित है बिहार में पटसन उद्योग की मिट्टी स्थित है उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान में उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में मध्य दक्षिण बिहार मैदान में दामोदर घाटी प्रदेश में तो बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है आ... ऑप्शन नंबर दो उत्तर पूर्वी बिहारी मैदान में यानी केवल दो बिहार में पटसन उद्योग मुख्यतः पूर्णिया कटिहार सहरसा दरभंगा में विस्तृत है इनमें उत्तरी पूर्वी बिहार पूर्णिया एवं कटिहार पटसन उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं पूर्णिया बिहार में कुल जूट उत्पादन का लगभग 70 सत्तर प्रतिशत तक उत्पादन अकेले करता है बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी मड़हौरा में बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई मरहोड़ा में पहली आधुनिक चीनी मिल वर्ष उन्नीस में मढ़होरा सारण जिला में बनी थी जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 सौ ईस्वी में बेतिया में डचों द्वारा आरंभ किया गया था बिहार का एक इस्पात कारखाना है जमशेदपुर में बिहार का एक इस्पात कारखाना था जमशेदपुर में जमशेदपुर नसवान जी टाटा जमशेद जी टाटा के तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर में इस्पात कारखाना के निर्माण हेतु स्थल का चयन किया था जहां पर वर्ष 1907 में एक इस्पात कारखाने की स्थापना की गई जमशेदपुर इस्पात संयंत्र भारत का सबसे बड़ा एकीकृत निजी इस्पात है वर्तमान में यह झारखंड राज्य में है छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है सिर्फ चावल छोटा ना नागपुर पठार का मुख्य फसल है चावल यानी कूट के हिसाब से ऑप्शन नंबर एक केवल एक सही है यानी कि चावल छोटा नागपुर पठार का मुख्य फसल है चावल छोटा नागपुर का मुख्य फसल चावल है इसके अतिरिक्त उपयुक्त फसलें गौण रूप से इस क्षेत्र में उगाई जाती है बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कैश क्रॉप कौन सी है गन्ना बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कैश क्रॉप कौन सी है गन्ना बिहार की मुख्य नगदी फसलें गन्ना तंबाकू, जूट और मेस्ता है इन सभी नगदी फसलों में मूल और मूल्य एवं उत्पादन के हिसाब में गन्ना प्रथम स्थान पर है बिहार में औद्योगिक वृत्ति सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वृत्ति संस्था है बिहार राज्य वृत्ति निगम बिहार में औद्योगिक वृत्ति सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा प्रमुख वृत्ति संस्था है बिहार राज्य वृत्ति निगम बिहार में औद्योगिक सहायता प्रदान करने हेतु तो बिहार राज्य वृत्त निगम की स्थापना वर्ष उन्नीस में की गई थी जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना आतंकवादी सेना कास्ट वेस्ट टेररिस्ट की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है बिहार में है जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना कास्ट वेस्ट टेररिस्ट की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है बिहार में है जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना बिहार की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति की देन है राजपूतों ने बिहार के भोजपुर जिले में उन्नीस उनासी में प्रथम जातिवाद सेना कुवेर सेना का गठन किया तत्पश्चात बिहार में इस प्रकार की कई जाति विशिष्ट आधारित सेनाओं का गठन किया गया इनमें मुसलमान मुस्लिम पठानों एवं राजपूत द्वारा गठित सनलाइट सेना कुर्मियों द्वारा गठित कुर् भूमि सेना यादवों द्वारा गठित लौरिक सेना था भूमियारो द्वारा गठित रणवीर सेना आदि प्रमुख है कौन है एम मंजुमदार। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है एम एल मंजुमदार उस समय के श्री एम एल मंजुमदार छब्बीस नौ दो हजार से 28 तीन दो हजार तीन तक बिहार के चुनाव आयुक्त रहे वर्तमान में दोस्तों ये महत्वपूर्ण है वर्तमान में डॉक्टर दीपक प्रसाद बिहार के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं निम्नलिखित में से कौन सा बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं विनोद कुमार पांडे निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल रहे थे विनोद कुमार पांडे प्रश्नकाल में विनोद कुमार पांडे बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल थे दिसंबर 2007 के पूर्व के बिहार के चार राज्यपाल के नाम और कार्यकाल निम्न प्रकार हैं श्री वेद कुमार मरगा एक ग्यारह दो चार से चार ग्यारह दो चार तक रहे थे डॉक्टर सरदार बूटा सिंह पाँच ग्यारह दो से तीस एक दो तक श्री गोपाल कृष्ण गांधी तेरह एक इकतीस एक दो हज़ार छः से इक्कीस छः दो हज़ार छः तक श्री रामकृष्ण सूर्यभन गवाई बाईस छः दो हज़ार नौ से एक सात दो हज़ार आठ तक वर्तमान में फागु चौहान बिहार के राज्यपाल हैं अटल बिहारी वाजपेयी बिहार सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था सुंदर सिंह भंडारी को अटल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था सुंदर सिंह भंडारी को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा सुंदर सिंह भंडारी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था सुंदर सिंह भंडारी सत्ताईस चार उन्नीस से पंद्रह तीन उन्नीस तक बिहार के राज्यपाल रहे बिहार का बकाया ऋण है सैंतीस हज़ार छः सौ तिरपन करोड़ बिहार का बकाया ऋण था सैंतीस हज़ार छः सौ तिरपन करोड़ रुपए संदर्भ संदर्भ स्रोत में तत्कालीन समय के लिए बिहार का बकाया राशि ऋण सैंतीस uh, हज़ार छः सौ तिरपन करोड़ रुपए था वर्तमान में बिहार आर्थिक समीक्षा दो हज़ार इक्कीस बाईस के अनुसार वर्ष दो हज़ार बीस इक्कीस में बिहार का कुल बकाया है दो लाख सत्ताईस हजार एक सौ छियानवे करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्री परिषद मंत्री परिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं उपयुक्त में से कोई नहीं केंद्रीय मंत्री परिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित उपयुक्त में से कोई नहीं सात जुलाई दो हजार इक्कीस को मंत्री परिषद मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद में बिहार के कुल छह मंत्री थे जिसमें से चार कैबिनेट तथा दो राज्य मंत्री वर्तमान समय की स्थिति के अनुसार विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बुद्धिस्ट मोंक बिहार में आंदोलन करते रहे नियंत्रण प्राप्त करने को गया के महाबोधि मंदिर का विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बुद्धिस्ट मोंक बिहार के में आंदोलन करते रहे नियंत्रण प्राप्त करने को गया के महाबोधि मंदिर का विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु गया के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु बिहार में आंदोलन करते रहे सर्वप्रथम श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अंग्रिका धमपाल ने अठारह में यह मांग की थी कि गया के महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं का नियंत्रण होना चाहिए अखिल भारतीय महाबोधि मंदिर मुक्ति समिति के अध्यक्ष नागार्जुन सुराई सेसाई ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्चायुक्त के समक्ष भी मोहबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं के नियंत्रण संबंधी मांग रखी थी पटना महा नगरपालिका में वार्ड की संख्या है पटना नहर पटना महानगर पालिका में वार्ड की संख्या है उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन नंबर ई यानी कि इसमें वार्ड की संख्या पचहत्तर है टोटल पटना महागर महानगर पालिका में वार्डों की संख्या पचहत्तर है पटना नगर निगम की स्थापना पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ बावन को पटना नगर निगम अधिनियम उन्नीस सौ इक्यावन द्वारा की गई थी बिहार में पागलखाना कहाँ स्थित है रांची में रांची में बिहार में पागलखाना कहाँ स्थित है रांची में जो कि अब बिहार में नहीं रहा वो झारखंड में चला गया है बिहार में पागलखाना विस्तृत रांची इंस्टीट्यूट ऑफ एंड एलाइड साइंस रिम्पस रांची के कारके कारके नामक स्थान पर अवस्थित था वर्तमान में रांची झारखंड की राजधानी है बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि चालीस पहले ये चौवन थी जब बिहार विभाजित नहीं हुआ था बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी जब बिहार और झारखंड बिहार और झारखंड साथ था तो चौवन लेकिन जब बिहार अलग हो गया तो बिहार में चालीस रह गई है तत्कालीन तो संयुक्त बिहार में लोकसभा का चौवन सीट था परंतु जब बारह पंद्रह 2000 में झारखंड राज्य निर्माण के उपरांत बिहार में लोकसभा की चालीस सीटें रह गई है पंद्रह नवंबर के पूर्व स्थिति के हिसाब से लोकसभा में चौवन सीटें और राज्यसभा में बाईस सीटें थी और पंद्रह नवंबर दो हज़ार के पश्चात स्थिति है लोकसभा में चालीस सीट और राज्यसभा में सोलह सीट और शेष सीटें नवनिर्मित झारखंड को हस्तांतरित हो गई बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या है चौवन उस समय चौवन लेकिन अभी चालीस बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं चालीस बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं चालीस बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बन अध्यक्षता कौन करेगा उपयुक्त में से कोई नहीं बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा उपयुक्त में से कोई नहीं किसी राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आयोग के अध्यक्ष की अध्यक विशिष्ट क्षेत्र यथा सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षा चिकित्सा विधि में होना चाहिए वर्तमान में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री दल दलमणि मिश्रा हैं अंततः सही विकल्प सी डी है जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित हैं स्वर्णरेखा नदी जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है रेखा नदी जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है यहाँ टाटा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है इस उद्योग की को पानी की आपूर्ति स्वर्णरेखा नदी से होती है हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है झारखंड हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना था झारखंड पंद्रह नवंबर दो हज़ार को झारखंड को बिहार से अलग कर संघ के अट्ठाईसवें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था दो हजार ईस्वी में झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था दो हजार ईस्वी में बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है रांची बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधान राज्य की राजधानी बनी है रांची पंद्रह नंबर दो हजार को बिहार से काटकर नया राज्य अट्ठाईसवां झारखंड बना जिसकी राजधानी रांची बनाई गई है रांची ब्रिटिश काल में बिहार की राजधानी हुआ करती थी झारखंड राज्य स्थापित हुआ था 2000 हजार ईस्वी में झारखंड स्थापित हुआ था 2000 हजार ईस्वी में बिहार में तेल सोधा कारखाना है बरौनी में बिहार में तेल सोधा कारखाना है बरौनी में बिहार में बरौनी में तेल सोधा कारखाना है रांची में भरी मशीन तथा रांची में भारी मशीन तथा सिंहभूम में इस्पात उद्योग की स्थापना हुई है बिहार में निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है बिहार में निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला है गया बिहार में निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला है गया भारत सरकार के अनुसार संबंधित जिलों का क्षेत्रफल इस प्रकार है पटना बत्तीस सौ दो वर्ग मीटर वर्ग किलोमीटर गया उनचास सौ छिहत्तर वर्ग किलोमीटर समस्तीपुर उनतीस सौ चार की वर्ग किलोमीटर दरभंगा बाईस सौ उनहत्तर बाईस सौ उनासी वर्ग किलोमीटर विकल्प के अनुसार सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से गया है किंतु बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद पश्चिमी चंपारण बावन सौ अट्ठाईस वर्ग किलोमीटर है इनमें से कौन सा ज़िला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है इनमें से कोई नहीं सभी झारखंड राज्य में शामिल जिले हैं इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है सब जिले झारखंड राज्य में इसलिए इनमें से कोई नहीं गोंडा रांची एवं बोकारो तीनों ही झार जिले झारखंड राज्य के जिले हैं झारखंड राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या चौबीस है बिहार में इस्पात प्लांट स्टील प्लांट का केंद्र कहाँ पर है धनबाद में बिहार में इस्पात प्लांट स्टील प्लांट का केंद्र कहाँ पर है धनबाद में प्रश्नकाल के दौरान बोकारो स्टील प्लांट धनबाद में ही था अब बोकारो अलग जिला बन चुका है यह झारखंड राज्य में है नीचे दिए गए नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरा कथन आर दूसरा कारण आर है दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ने पे पढ़ें और उत्तर दें आ, तो कथन एक है दक्षिण बिहार उसी बिहार दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है कारण है दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास आ, हुआ है उपयुक्त दोनों कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है इसका आ, इसमें कथन उत्तर उत्तर दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार के अपेक्षा अधिक विकसित है बिल्कुल सही कथन है दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है बिल्कुल ये भी सही है यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही व्याख्या आर करता है बिहार वर्तमान में दक्षिण बिहार उत्तर बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है परंतु वर्ष 2000 में से पहले दक्षिण बिहार अर्थात वर्तमान झारखंड उत्तरी बिहार की अपेक्षा कम विकसित था दक्षिण बिहार का अल्प विकास ही अलग झारखंड राज्य निर्माण का मूल मुद्दा बन मुद्दा रहा दक्षिण बिहार खनिज प्रधान क्षेत्र था रहा है फलस्वरूप खनिजों पर आधारित उद्योगों का विकास दक्षिण बिहार में उपेक्षाकृत अधिक है जमशेदपुर धनबाद बोकारो आदि दक्षिण बिहार के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं अगला खंड है दोस्तों इतिहास जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसमें कि बिहार के इतिहास दिए हुए हैं जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है पावापुरी में जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है पावापुरी में जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है बिहार शरीफ में से आठ किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थस्थल है पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर पर दूरी पर स्थित है भगवान महावीर ने पाँच सौ ईसा पूर्व अर्थात बहत्तर वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल मुस्लिम सम्राट यूसुफ शाह चक जिसे जिन्हें मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था वह दफन है नालंदा में कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम सम्राट शासक मुगल मुग, मुगल शासक सॉरी कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाहचक जिन्हें मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था वह दफ़न है नालंदा में है कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाहचक जिसे मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था यूसुफ शाहचक की मृत्यु पंद्रह सौ बिरानवे बे ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई जिसे नालंदा बिहार में दफनाया गया वर्ष उन्नीस सौ बत्तीस में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्नीस वर्ष उन्नीस में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने पहली अपनी फैक्ट्री स्थापित की डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना डिस्ट्रिक्ट गैजिटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यंत्र उन्नीस ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हो सका कनकिंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है कि इस और उत्तर इसका उत्तर उन्नीस सौ इसका उत्तर सोलह सौ बत्तीस ईस्वी मानता है कुछ अप्रमाणित स्रोत हैं आ, में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में सोलह सौ बत्तीस में डच फैक्ट्री की स्थापना की इसकी रुचि सूती वस्त्र चीनी सोड़ा और अफीम आदि से संबंधित व्यापार से थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का, का प्रकाशन किया, किया है जिसका नाम है हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया है जिसका नाम है हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती अठारह से 1950 को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है वे एक बुद्धिजीवी लेखक समाज सुधारक इतिहासकार एवं किसान नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती शंकराचार्य संप्रदाय के दस सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे दंडी सन्यासी थे स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया देशर कथा Uh, पुस्तक किसने लिखी है देशर कथा पुस्तक किसने लिखी है मुरली मुरली मोहन प्रसाद द्वारा देसर कथा पुस्तक किसने लिखी है मुरली मोहन प्रसाद द्वारा देशर कथा देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देशकर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बंगला पुस्तक है इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे मुरली मनोहर प्रस मुरली मोहन प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे मुरली मोहन प्रसाद बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया सर्चलाइट सप्ताह में दो बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे आयोग ने त्रुटिवश मोहन मनोहर को मोहन लिखा है जो कि गलत है यानी कि मुरली मनोहर प्रसाद होना चाहिए प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई माना है लेकिन इसका सही आंसर मुरली मनोहर प्रसाद जी होंगे किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतिक कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ श्री दीप नारायण सिंह किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतिक कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था श्री दीप नारायण सिंह श्री दीपनारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में सम्पन्न हुआ इसके अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे अधिवेशन में जे के गोखले एवं श्री खाड़े की विशेष उपस्थिति थी अतः विकल्प बी सही उत्तर है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का सोलहवा अधिवेशन हुआ था उन्नीस में हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का सोलहवा अधिवेशन हुआ था उन्नीस सौ इक्कीस में हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का सोलवा अधिवेशन वर्ष उन्नीस सौ इक्कीस में हुआ था पटना में उन्नीस सौ तेरह से अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की मजरूल हक ने पटना में उन्नीस सौ तेरह में अनुशीलन अनु... समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की सचिंद्र नाथ सन्याल ने सॉरी सचिंद्राथ सन्याल ने पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की सचिंद्र नाथ यानी कि मजरुल हक नहीं होंगे इसके आंसर पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सन्याल जी ने क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सन्याल ने वर्ष उन्नीस में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक हिं साधनों द्वारा अंग्रेज शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था स्वामी विद्यानंद जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था स्वामी विद्यानंद स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे असहयोग आंदोलन 1920 बाईस के दौरान बिहार में कृषक का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में खासकर राज्य दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपना अधिकार के अपना अधि अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे उन्नीस सौ में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबेर ने यानि उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए उन्नीस और उन्नीस में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था श्री कृष्ण सिंह जी ने और मोहम्मद जुबेर ने यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष उन्नीस सौ में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबेर और श्रीकृष्ण सिंह द्वारा किया गया परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया वर्ष उन्नीस में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और उसके प्रथम अध्यक्ष बने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने बिहार प्रांत किसान सभा का गठन किसने किया स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई सहजानंद सरस्वती ने वर्ष उन्नीस में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की इस सभा का विस्तार बिहार के गाँव में करने में उन्हें क्रियानंद शर्मा राहुल संकृतियान पंचानंद शर्मा यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। बिहार सभा का गठन कब हुआ? 1929 में बिहार प्रोवेंशियल सभा का गठन कब हुआ उन्नीस में बिहार में किसानों को संगठित करने और उनके कठिनाई का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर उन्नीस में सोनपुर मेले के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया श्रीकृष्ण सिंह जी ने बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया श्रीकृष्ण सिंह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन मार्च उन्नीस सौ तेईस में सी आर दास यानी चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था पटना के बांकीपुर में बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया पटना में बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 सौ ईस्वी में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था यह कांग्रेस का सत्ताईसवां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधरोलकर आर एन द्वारा की गई थी इस अधिवेशन के महासचिव सचिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना मजरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे बिहार समाजवादी पार्टी उन्नीस सौ इकतीस ईस्वी का गठन जिन्होंने किया था वो थे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी बिहार समाजवादी पार्टी उन्नीस सौ इकतीस ईस्वी में गठन जिन्होंने किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी 1931 में वर्ष उन्नीस में गंगा शरण सिंह जब प्रकाश नारायण फूलन प्रसाद वर्मा अब्दुल बारी राहुल संकृतियान तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया अन्य सदस्यों में रामप्रिक्ष बेनपुरी गंगा शरण सिन्हा योगेंद्र शुक्ल अब्दुल बारी कपूरी ठाकुर तथा वासवान सिंह आदि थे जबकि मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया फूलन प्रसाद वर्मा 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था फूलन प्रसाद वर्मा 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण जी 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी लोकनायक की जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी लोकनायक की जब प्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है वर्ष उन्नीस में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसिफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था इन्होंने 5 जून उन्नीस को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया वर्ष उन्नीस में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया बिहार की रश्मि कुमारी है एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है बिहार की से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है बिहार की रश्मि कुमारी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी है वह दूसरी तीसरी और पांचवी एशियाई कैरम चैंपियनशिप में चौथी विश्व कप कैरम चैंपियन कैरम चैंपियनशिप उन्नीस में प्रथम मलेशिया ओपन इत्यादि प्रतियोगिता में विजेता रही है बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे उपयुक्त में से एक से अधिक नौ दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ इसके पहले अध्यक्ष अस्थाई सचितानंद सिन्हा बिहार से थे और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष चुने गए जो भी वो भी बिहार से ही बिहार में संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा राजेंद्र प्रसाद जगजीवन राम श्यामा श्यामानंद सहाय आ सचिदानंद सिन्हा आदि इत्यादि प्रमुख थे बिहार में उन्नीस में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था मोहम्मद यूनिस ने बिहार में उन्नीस में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था मोहम्मद यूनिस ने बिहार में उन्नीस में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनिस एक चार उन्नीस से उन्नीस सात उन्नीस तक किया इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व बीस सात उन्नीस से इकतीस दस उन्नीस तक किया राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पृथक प्र, प्र, मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता पृथक चुनाव इकाई इकाइयाँ और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी पृथक निर्वाचन इकाइयों ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया पटना लोन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया था पटना लोन का गांधी मैदान गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया था उपयुक्त में से कोई नहीं है इसका आंसर सही इसलिए ऑप्शन नंबर ई है गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है वर्ष उन्नीस से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी उन्नीस को इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई यहां स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 फीट मीटर प्रतिमा 2013 में स्थापित की गई गंतव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु तीस जनवरी 1948 के पश्चात पटना लोन का नाम बदलकर महात्मा गांधी यानी गांधी मैदान किया गया अतः इस प्रश्न का विकल्प ई होना चाहिए जबकि आयोग ने डी उत्तर दिया है 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी पचपन उन्नीस की समाप्ति पर बिहार में कुल ज़िलों की संख्या थी पचपन वर्ष उन्नीस सौ की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या पचपन थी पंद्रह नवंबर दो हज़ार को 18 ज़िले के साथ झारखंड राज्य के निर्माण के साथ ही बिहार में सैंतीस जिले शेष बचे वर्तमान में बिहार में जिलों की कुल संख्या अड़तीस है सबसे नवीनतम जिला अरवल है जो औरंगाबाद से टूटकर बना है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने तारीखे राउदी के विवरण के अनुसार शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं स्मारिक महत्व जानने के लिए पंद्रह में यहां एक मजबूत किले का निर्माण किया तथा इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था जिसे मगध के सम्राट आजाद शत्रु ने बसाया था आजाद शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्रा पटना को पाटलिपुत्र पटना को अपनी राजधानी बनाया तीन शताब्दी तक पाटलिपुत्रा नगर पाटलिपुत्र नगर तीन साम्राज्य मगध नंद और मौर्य की गौरवपूर्ण राजधानी रही निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड पीस स्तूप निर्माण करवाया राजगीर में निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड पीस स्तूप निर्माण कराया है राजगीर में राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु नंदितासु फुजी द्वारा बनाई गई थी वर्ष उन्नीस में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है जहां जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई उन्नीस सौ में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई उन्नीस सौ में वर्ष उन्नीस में बंगाल से अलग कर एक नए राज्य नए राज्य बिहार का निर्माण किया गया बिहार राज्य निर्माण के चार वर्ष उपरांत तीन फरवरी 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे जी बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था बिरसा मुंडा ने, ने मुंडा विद्रोह 19 1899 से 1900 का तक का नेतृत्व किया था इसका जन्म 1875 अठारह में उलिहा उलिहाऊ गांव में हुआ था जिसकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी जर्मन धर्म प्रचारक से प्रभावित होकर वह ईसाई धर्म ईसाई बन गया किंतु उसकी आत्मपिपासा शांत ना हुई वह अपने पूर्वजों के मालिक मौलिक मुंडा धर्म के में विश्वास करने लगा वह हिंदू धर्म के विचारधारा में भी अत्यधिक प्रभावित हुआ से भी अत्यधिक प्रभावित हुआ था उन्नीस में उसने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया तथा उसके आधार पर उसने बांगो देवी देवताओं की जगह सिंह बोंगा एक देवता की एक देवता की पूजा करने को कहा लोग उससे उसे साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे मुंडा विद्रोह के दौरान तीन मार्च उन्नीस में बिरसा को पकड़ लिया गया जेल में ही उन्हें हैजा की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने अठारह सौ पचासी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी भागलपुर राजमहल की पहाड़ी के पास उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने अठारह सौ में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी भागलपुर और राजमह राजमहल पहाड़ियों के पास उन्नीस सौ पचपन छप्पन में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ इसकी मुख्य शिकायत भद्रलोक सिविलाइज्ड पीपुल अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन संभ्रात लोगों से थी से था जो अनेक जो उनके इलाकों में आकर बस गए थे तथा उनका शोषण दोहन करते थे अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हीं भद्रलोक का पक्ष लेते थे आदिवासी अपने शोषकों को दीख कहते थे अठारह सौ पचपन ईस्वी ईस्वी इस में सिद्धु कानू सिद्धू कानू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की विद्रोह प्रभाव हुआ और व्यापक रूप से धारण कर लिया विद्रोहियों ने भागलपुर भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया और संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया जिन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी अठारह के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा करता है रोहिणी पटना मुजफ्फरपुर जगदीशपुर सौ के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया बिहार के विभिन्न नगरों में विभिन्न में विद्रोह के बिस्पोर्ट, न, बिस्पोर्ट का सही कर्म निम्नलिखित में से कौन सा करता है रोहिणी पटना मुजफ्फरपुर जगदीशपुर कंपनी सरकार नई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी संथाल प्रांगण जिला जिला अंतर्गत देवघर सब डिवीज़न के रोहिणी नामक गांव से गांव में देसी स्थल सेना के बत्तीसवीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था सात से बारह जून अठारह की संध्या में पहले पहल इसी इसी टुकड़ी ने विद्रोह किया था और पटना में तीन जुलाई अठारह को विद्रोह हुआ जिसके पश्चात पच्चीस जुलाई अठारह सौ को मुजफ्फरपुर में तथा छब्बीस जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में विद्रोह किया बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया राजकुमार शुक्ल ने बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया राजकुमार शुक्ल ने राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से सात अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर दस अप्रैल को पटना पहुँचे 15 पंद्रह अप्रैल से गांधी जी ने किसानों से मिलना प्रारंभ किया जिसके साथ राजकुमार शुक्ल धर धरनीधर रामनवमी प्रसाद आदि प्रमुख व्यक्ति थे बिहार के सुप्रसिद्ध संख सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है फिरदोसी से बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है फिरदोसी से सैफुद्दीन अहमद जिनका जन्म बारह में मनेर पटना में हुआ था इसकी मृत्यु और तेरह सौ ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई फिरदोसिया सिलसिले के सूफी थे जिन्होंने सुहरबर्दी की अरबी कृति अदब उल मुरीदीन पर एक भाष्य लिखी जिसकी प्रसिद्ध कृति मकतूबात है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में वर्ष 1934 में गांधी जी ने पटना के एक व्यक्तित्व द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगन करने का सुझाव दिया अठारह मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका पूरा समर्थन किया और बिहार में यह आंदोलन रुक गया इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक चेतना परखड़ हुई आंदोलन के क्रम में पुलिस एवं प्रशासन से संबंध भारतीय अधिकारी और कर्मचारियों के मध्य भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जगी बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसी समय Invodult, 1934 में हुआ जिसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा व्यापार केंद्रों के रूप में विद्या केंद्रों के रूप में प्रशासनिक केंद्र के रूप में धार्मिक केंद्र के रूप में मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में यानी कि अपने उत्तर का चयन से निम्नलिखित कुट कुट के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी दो और चार मध्यकाल में बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था ओदंतीपुरी का महाबिहार यहाँ स्थित था जिसके साथ ही अनेक बौद्ध बिहार इस क्षेत्र में स्थित थे जिस कारण तुर्कों ने यह इस नगर का नाम बिहार रखा जिसके बाद समस्त क्षेत्र का नाम बिहार पर गया बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ साथ विद्या केंद्र के रूप में भी विकसित था औदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना पालवंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नज़दीक था बिहार में से में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष उन्नीस में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था सचिदानंद सिन्हा ने बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष उन्नीस में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का निर्माण निर्माण का नेतृत्व किया था सचिदानंद सिन्हा ने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा महेश नारायण किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय इन चारों ने मिलकर जनवरी उन्नीस अठारह में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया महेश नारायण या बाबू महेश्वर प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक थे महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार प्रति प्रथिकरण की मांग रखी संपूर्ण बिहार में प्रथिकरण आंदोलन जोर पकड़ने लगा महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगवा हुए ब्रह्मदेव नारायण अली इमाम मजरुल हक हसन इमाम डॉक्टर सिन्हा के साथ होली गए वर्ष 1908 सौ में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए जाने की मांग की गई जिसमें 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया एक अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन प्रांत बिहार का उद्घाटन हुआ जिसकी राजधानी पटना बनी भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को भी अलग बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस का महत्व है 1912 में बिहार के बंगाल प्रसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल बाईस मार्च को मनाया जाता है 1912 से में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए वर्ष 1912 में बाईस मार्च को ही बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था बिहार शब्द सांस्कृतिक एवं पाली शब्द बिहार मठ या मोन्स्ट्री से बना है बिहार को पहले मगध नाम से जाना जाता था बिहार की राजधानी पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था बिहार की स्थापना कब की गई उन्नीस सौ बारह में बिहार की स्थापना कब की गई उन्नीस सौ बारह में बाईस मार्च उन्नीस सौ बारह को उद्धोसना, जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्यों का गठन किया गया जो एक अप्रैल उन्नीस से प्रभावी हुआ एक अप्रैल उन्नीस को बिहार एवं उड़ीसा दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए बारह मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है सचिदानंद सिन्हा जी को आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है सचिदानंद सिन्हा को सचिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक शिक्षाविद अधिवक्ता एवं पत्रकार थे सत्य सचिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है निसंदेह बिहार ने के बंगाल से पृथ्वीकरण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन करके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा की पहली बैठक नौ दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना 1912 में बिहार भारत में कब एक स्वतंत्र प्रदेश बना 1912 में बाईस मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से एक नए राज्य का गठन किया गया जो एक अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ एक अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए और दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए बाईस मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना उन्नीस में एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना उन्नीस में 1936 तक बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया इसी कारण प्रश्न अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर 1936 माना 1936 पूर्ण तरह से बिहार उड़ीसा से भी अलग हो गए थे और फिर बिहार को अगर बोला जाए कि अलग हुए थे बंगाल प्रेसिडेंसी से यानी बिहार एक बार स्वतंत्र हुए थे बिहार तो वो उन्नीस सौ बारह हो जाएगा इसका सही आंसर ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था उन्नीस सौ छत्तीस को ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था उन्नीस सौ छत्तीस को किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ 1936 को किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ 1936 को किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना भारत सरकार अधिनियम 1935 किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना भारत सरकार अधिनियम 1935 बिहार बंगाल से कब अलग हुआ उन्नीस में बिहार बंगाल से कब अलग हुआ उन्नीस में बिहार एक अप्रैल उन्नीस को बंगाल से अलग हुआ था पंद्रह नवंबर दो हज़ार को बिहार में बिहार से झारखंड अलग हुआ हो गया बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ उन्नीस सौ छत्तीस यानी कि बिहार बंगाल से सॉरी बंगाल से पृथक कब हुआ उन्नीस सौ बारह में बिहार बंगाल से कब पृथक कब हुआ उन्नीस सौ बारह में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब द्वारा कब स्वीकार किया गया अठारह सौ पचासी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किरायेदारों के अधिकार को बंगाल किरायेदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया अठारह में बंगाल किरायेदारी अधिनियम अठारह के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार कष्टकार के भूमि से संबंधित प्रश्नगत अधिकारों की प्रक प्रख्यापित करना था बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी उन्नीस सौ तेरह में बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी उन्नीस सौ तेरह में बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक बीस जनवरी उन्नीस सौ तेरह को बांकीपुर में हुई थी इंडियन काउंसिल एक्ट अठारह एवं उन्नीस में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया जिसमें तीन पदेन पदेन सदस्य इकतीस निर्वाचित सदस्य एवं उन्नीस मनोनीत सदस्य रखे गए 1908 के छोटा नागपुर कास्त कास्त अधिनियम के ने रोका 1908 के छोटा नागपुर काश्त अधिनियम ने रोक लगाई है बैठे बेगारों पर 1908 के छोटा नागपुर छोटा अधिनियम ने रोक लगाई बैठे बेगार पर वर्ष 1902 से 1910 के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंधन तथा वर्ष 1908 के छोटा नागपुर कश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुटकट्टी अधिकार अधिकारों को मान लिया तथा बैठे बैठ बैगाड़ी या बलाश्रम का उन्मूलन कर दिया आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया छोटा नागपुर कस्तकारी कानून का पारित हुआ 1908 में छोटा नागपुर कस्तकारी कानून का पारित हुआ 1908 सौ ईस्वी में बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए कितने सीट आरक्षित हैं अड़तीस बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के अधिकार के लिए कितने सीट आरक्षित हैं अड़तीस बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए अड़तीस सीट आरक्षित हैं बिहार विधानसभा में कुल दो सौ तैंतालीस सीट हैं सदस है सीट सदस्य संख्या हैं जिसमें से दो सौ तीन सीट सामान्य अड़तीस अनुसूचित जाति दो सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं Osionfish. बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था 2006 में बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था 2006 में बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया यह अधिनियम 8 अप्रैल 2006 से लागू है बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषदें हैं मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ प्राचीन संस्कृति प्रकृति एवं पाली साहित्य में बिहार नाम के कृषि प्रदेश किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है बारहवीं सदी के अंत में औदंतीपुर के साथ इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध बिहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ा है जो बाद में अप अप्र, अप्रभाष के कारण बिहार हो गया अठारह से अठारह सौ से अठारह के नील खेती हारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र का की पहचान करें दरभंगा एवं चंपारण अठारह सौ के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र में पहचान करें दरभंगा और चंपारण उत्तर बिहार के नीला नीलाहे रे रैयतों ने अत्याचार से त्रस्त एवं अपने दुखमय जीवन से उबरकर उबकर अठारह सौ सरसठ में विद्रोह कर दिया विद्रोह की आग पहले पहल लाल सरैया कोठी में फूटी वहां से होता हुआ यह विद्रोह चंपारण और दरभंगा में फैल गया राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे मुरली भड़वा भड़हवा के राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भड़हवा नामक गांव के निवासी थे जिन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर कर जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसी छछ नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा का दुर्दशा पर प्रकाश डाला पीर मोहम्मद मुनिस ने किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे च... चाछा नामों, चाछा नामों के तहत चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है पीर मोहम्मद मुनीस ने पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसी छंद नामों में अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा दुखी बया हृदय प्राप्त हृदय वाई दु, बाई दुखी हृदय प्रताप तीन अप्रैल उन्नीस सौ सोलह को लिखकर चंपारण के किसानों की, की दुर्दशा पर प्रकाश डाला इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें चंपारण में अत्याचार प्रताप अट्ठाईस फरवरी उन्नीस सौ सोलह चंपारण में महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि है इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद इनमें से बिहार के कौन किसान नेता थे किसान नेता थे स्वामी सहजानंद और स्वामी विद्यानंद यानी स्वामी विद्यानंद और स्वामी, स्वामी सहजानंद यानी ऑप्शन ए एक और दो बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने स्वामी सहजानंद सरस्वती और स्वामी विद्यानंद यदुनंदन शर्मा क्रियानंद शर्मा और राहुल संकृतयान प्रमुख थे चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था राजकुमार शुक्ल जी ने चंपारण चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था राजकुमार शुक्ल राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया अठारह सौ तीस में अठारह सौ तीस के दशक में अठारह सौ तीस के दशक में पटना नगर केंद्र था अठारह सौ तीस में पटना अठारह सौ तीस के दशक में पटना नगर केंद्र था बहावी आंदोलन का 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था बहावी आंदोलन का बहावी आंदोलन मूलतः अरब से प्रारंभ हुआ इसकी इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल वहाब था इन्हीं के नाम पर इसका नाम बहावी आंदोलन पड़ा आरंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था परंतु अम, भारत में बहावी आंदोलन के जन्मदाता और आदि आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे 1830 के दशक में सैयद अहमद ने पटना यात्रा के समय पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया महादेव लाल सराफ ने भागलपुर में, भागलपुर में नमक भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया महादेव लाल सराफ ने बारह मार्च उन्नीस को महात्मा गांधी के नेतृत्व में समन्वय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल 1930 से चंपारण में 15 अप्रैल 1930 में चंपारण एवं सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ दीप नारायण सिंह रामेश्वर नारायण अग्रवाल कैलाश बिहारी लाल आदि ने किया था निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है देव में निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है देव में बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है सामने है से बिहार का प्रसिद्ध पर्व पर्व बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत हुई ऐसा माना जाता है कि वर्तमान रांची के भंडू में भी एक नवनिर्मित सूर्य मंदिर है 1930 और 1932 के में बारह ही कांग्रेस के सफलतापूर्वक अंग्रेज़ी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था मुंगेर से उन्नीस और उन्नीस बत्तीस में बाराही कांग्रेस के सफलतापूर्वक का अंग्रेज़ी हुकूमत को किस ज़िले से नाकाम कर दिया था मुंगेर से वर्ष उन्नीस सौ तीस उन्नीस सौ बत्तीस के मध्य बाराही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेज़ी हुकूमत को नाकाम कर दिया था इनमें से किसने बिहार के पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था श्री कृष्ण सिंह ने सिन्हा ने इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था श्री कृष्ण सिन्हा ने श्री कृष्ण सिन्हा जिन्हें श्री कृष्ण श्री कृष्ण सिंह जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे वर्ष उन्नीस के प्रथम कांग्रेस मंत्री सभा में या बिहार के मुख्यमंत्री उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था बने थे वर्ष उन्नीस में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और वर्ष उन्नीस तक मृत्यु मृत्यु प्राप्त तक 31 जनवरी उन्नीस तक इस पद पर रहे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे श्री कृष्ण सिंह श्री कृष्ण सिंह जिन्हें श्रीकृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे वर्ष उन्नीस के प्रथम कांग्रेस मंत्री सभा में वह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे वर्ष उन्नीस में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और वर्ष उन्नीस तक मृत्यु प्राप्त तक 31 जनवरी उन्नीस तक यह पद पर रहे सन उन्नीस में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था राहुल संकृतियान ने सन उन्नीस में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था राहुल वर्ष उन्नीस वर्ष उनचालीस में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकृतियान ने किया था किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया 2000 में किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया दो हजार में पंद्रह नवंबर दो हजार को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा झारखंड भारत के अट्ठाईसवें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया उन्नीस सौ भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था उन्नीस भारत छोड़ो आंदोलन के समय अगस्त प्रस्ताव आ, 1940 तथा क्रिप्स मिशन 1942 की असफलताओं के अंततः भारत छोड़ आंदोलन को जन्म दिया क्रिप्स मिशन की असफलताओं ने अंततः भारत छोड़ आंदोलन का जन्म दिया को जन्म दिया इस दौरान देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर सात से आठ अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में बढ़दा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया इसी के विरोध में बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन का संयुक्त जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया था किया और उन्नीस सौ उनहत्तर में विधायक बने इसके बाद उन्नीस में वे लोक दल में शामिल होकर फिर चुने गए उन्नीस में वे हजारी हाजीपुर लोकसभा से रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीते उन्नीस में उन्होंने दलित सेना का गठन किया उन्नीस में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा से पुनः रिकॉर्ड मतों से जीते 8 अक्टूबर 2020 को उसका उनका निधन हो गया बिहार के राजनीतिक राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे ग्यारहवीं लोकसभा के लिए बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे ग्यारहवीं लोकसभा के लिए स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह उन्नीस सौ छियानवे ईस्वी में पहली बार वैशाली से ग्यारहवीं लोकसभा के सदस्य चुने गए और केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए जिन्होंने लगातार 2009 तक वैशालीस सीट से ही लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की 2004 से 2009 तक वह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर भी रहे अगला खंड है दोस्तों, दोस्तों जनसंख्या एवं नगरीकरण तो हम लोग इसको देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी अधिकारी है पटवारी निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है पटवारी पटवारी या लेखापाल राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है पटवारी प्रणाली की शुरुआत सब प्रथम शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई तथा बाद में अकबर ने इस प्रणाली को बढ़ावा दिया शेरशाह सूरी के दरबार में भू अभिलेख मंत्री टोडरमल द्वारा पटवारी पद का सृजन किया गया जिसका कार्य किसान और उनकी जोत के कागजात को बनाए बनाना तथा उनकी संरक्षण करना था भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है आठ पॉइंट जीरो चार प्रतिशत भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का जनसंख्या का क्या प्रतिशत है आठ पॉइंट जीरो चार प्रतिशत जनगणना दो हज़ार एक के अंतिम आंकड़ों में बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का आठ पॉइंट जीरो चार प्रतिशत थी वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना दो हज़ार ग्यारह के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का आठ पॉइंट छः जीरो प्रतिशत है भारत के राज्यों में भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर दो जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम भारत के राज्य में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में केरल की साक्षरता दर चौरानवे पॉइंट जीरो प्रतिशत थी जो सर्वाधिक है जबकि बिहार की साक्षरता दर इकसठ पॉइंट आठ प्रतिशत थी जो न्यूनतम लोएस्ट है स्पष्ट है कि नवीनतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम है बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग अड़तीस प्रतिशत है बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग अड़तीस प्रतिशत है वर्ष उन्नीस सौ इक्यानवे की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर अड़तीस पॉइंट पाँच प्रतिशत थी वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना दो हज़ार ग्यारह के अनुसार बिहार की साक्षरता दर इकसठ पॉइंट अस्सी प्रतिशत है बिहार में साक्षरता लिटरेसी का प्रतिशत है इकसठ पॉइंट आठ प्रतिशत वर्तमान के हिसाब से बिहार में साक्षरता लिटरेसी का प्रतिशत है इकसठ पॉइंट आठ आठ जीरो प्रतिशत बिहार की उन्नीस से इक्यानवे के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर है तेईस पॉइंट चौवन प्रतिशत बिहार की अठारह उन्नीस से उन्नीस के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर है तेईस पॉइंट चौवन प्रतिशत जनगणना दो हज़ार जनगणना उन्नीस के अनुसार उन्नीस से उन्नीस के दशक में बिहार की जनसंख्या में तेईस पॉइंट अड़तीस प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी वही वर्ष दो हज़ार एक से दो हज़ार ग्यारह के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर पच्चीस पॉइंट बयालीस प्रतिशत रही है जो उन्नीस सौ इक्यानवे और दो हजार एक में अट्ठाइस पॉइंट तैंतालीस परसेंट से कम है नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है इनमें से कोई नहीं यानी कि वर्ष उन्नीस सौ इक्यानवे में संयुक्त बिहार की जनसंख्या छियासी पॉइंट तीन सात एक मिलियन थी जो झारखंड से अलग होने पर होने के बाद २००१ की जनगणना में आठ पॉइंट तीन करोड़ थी वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना २०११ के अनुसार बिहार की जनसंख्या दस करोड़ चालीस लाख चालीस लाख निन्यानवे हज़ार पाँच सौ बावन यानी कि दस पॉइंट इकतालीस करोड़ है जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का अनुपात क्या है तेरह पॉइंट चौदह प्रतिशत। उन्नीस सौ की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है तेरह पॉइंट चौदह प्रतिशत उन्नीस सौ इक्नवे में संयुक्त बिहार झारखंड सहित की कुल जनसंख्या आठ पॉइंट छः तीन सात करोड़ थी जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या सात पॉइंट पाँच दो करोड़ थी तथा शहरी जनसंख्या एक पॉइंट एक तीन पाँच करोड़ थी स्पष्ट है कि वर्ष उन्नीस सौ इक्यानवे में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत तेरह पॉइंट चौदह प्रतिशत था बिहार में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या ग्रामीण रेशियो शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं बिहार की शहरी अरबन आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है तेरह पॉइंट चौवालीस प्रतिशत बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है तेरह पॉइंट चौवालीस प्रतिशत जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है भारत में प्रथम जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व ग्यारह सौ छः प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है यह राज्यों के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर है जबकि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची में छठे स्थान पर है इस दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर दिल्ली भारत का जनसंख्या घनत्व तीन सौ प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वर्ष 2001 में बिहार का जनसंख्या घनत्व आठ प्रति प्रति वर्ग किलोमी प्रति व्यक्ति आठ व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जबकि उन्नीस की, की जनगणना के अनुसार बिहार तीसरे स्थान पर था भारत में जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से बिहार का कर्म है तीसरा भारत में जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से बिहार का क्रम है तीसरा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है शिवहर में वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार दिए गए विकल्पगत जिलों का जनसंख्या घनत्व निम्न है शिवहर का अठारह वैशाली का सत्रह पटना का अठारह दरभंगा का अठारह सौ उपरोक्त आंकड़ों में से स्पष्ट है कि विकल्पगत जिला तथा समग्र रूप से बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला शिवहर है भारत में बिहार की जनसंख्या है तीसरी सबसे अधिक भारत में बिहार की जनसंख्या है तीसरी सबसे अधिक वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना २०११ के अनुसार भारत में बिहार की जनसंख्या तीसरी सबसे अधिक है सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है उन्नीस करोड़ अंठानवे लाख बारह हज़ार तीन सौ इकतालीस है तत्पश्चात महाराष्ट्र की ग्यारह करोड़ तेईस लाख चौहत्तर हज़ार तीन सौ तैंतीस है एवं इसके बाद आ, की एवं इसके बाद बिहार दस करोड़ चालीस लाख निन्यानवे हज़ार पाँच सौ बावन की जनसंख्या है उन्नीस सौ इक्यानवे की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है महाराष्ट्र उन्नीस सौ इक्यानवे की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा माना जाता है महाराष्ट्र भारतीय जनगणना 2011, 2011, 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंग अनुपात क्या है उन्नीस सौ अठारह भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंग अनुपात क्या है उन्नीस सौ अठारह वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात है उन्नीस सौ अठारह है जनजाति एवं और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है मुंडा जमुई जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है मुंडा जमुई संथाल बांका बिल्कुल सही है उड़ाव सुपौल बिल्कुल सही है खारवाड़ भागलपुर बिल्कुल सही है इसलिए जनजाति और ज़िले के निम्न जोड़ों में से कौन जोड़ा सही नहीं है इसमें मुंडा जमुई <ening Dabei> गलत जोड़ा है मुंडा जनजाति बिहार के बक्सर और रोहतास जिले के में निवास करती है जमुई में कोड़ा जनजाति पाई जाती है शेष में बिल्कुल सही हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात अन... दर्ज किया जाता है गोपालगंज में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया जा गया है गोपाल गोपालगंज में वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार विकल्पगत जिलों का लिंगानुपात निम्न है गोपालगंज सबसे ज़्यादा दस सौ इक्कीस लिंगानुपात सिवान में नौ सौ सारण में नौ सौ चौवन किशनगंज में नौ सौ पचास उपरोक्त आंकड़ों में स्पष्ट है कि विकल्पगत ज़िलों तथा संयुक्त रूप से बिहार के सभी जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है दो हज़ार ग्यारह की जनगणना के अनुसार बिहार के किस ज़िले में पुरुषों में ज़्यादा पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार बिहार के किस ज़िले में पुरुषों की पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं ये हैं गोपालगंज में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में के गोपालगंज जिले में महिलाओं की जनसंख्या पुरुष जनसंख्या की तुलना में अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंग अनुपात उन्नीस तथा जनधनत्व ग्यारह सौ प्रति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है दो हजार सत्रह अठारह में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं दो हजार सत्रह अठारह में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं बिहार आर्थिक समीक्षा दो हज़ार अठारह उन्नीस के अनुसार कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत चौहत्तर है जनसंख्या 2011 के आधार पर होने का अनुमान है जो राष्ट्रीय औसत में काफी अधिक है से काफी अधिक है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदंगा बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा उन्नीस की जनगणना के अनुसार तत्कालीन बिहार झारखंड सहित में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा था वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना दो हज़ार के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है जहां पे छः लाख छत्तीस हजार तीन सौ बयालीस लोग निवास करते हैं अगला खंड है दोस्तों विविध बिहार के निम्नलिखित ज़िलों में कौन सा ज़िला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है पूर्णिया बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा ज़िला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है पूर्णिया बिहार नेपाल के साथ सात सौ उनतीस किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है नेपाल के साथ बिहार के सात जिले सीतामढ़ी किशनगंज अररिया सुपौल मधुबनी पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण सीमा रेखा साझा करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है उपयुक्त में से एक से अधिक निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होना चाहिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में बिहार के नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल तथा महाबोधि मंदिर दोनों ही शामिल हैं नालंदा महाविहार को दो हजार वर्ष दो हज़ार छः सोलह में शामिल किया गया और महाबोधि मंदिर को दो हज़ार दो में शामिल किया गया है आर्थिक बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वृत्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था 2006 हज़ार सात के लिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वृत्ति वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था 2006 और सात के लिए बिहार सरकार ने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रस्तुत करना प्रारंभ शुरू किया और आर्थिक सर्वेक्षण दो हजार इस श्रृंखला का सोलह सोलहवा सर्वेक्षण है भारत वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद आई सी एफ आर ई आई ने वन आधारित समुदाय को का समर्थन करने के लिए टी आई एफ एस सी के साथ समझौता ज्ञापन एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए हैं आई सी एफ़ आर आई का मुख्यालय कहाँ स्थित है देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदाय का समर्थन करने के लिए टी आई एफ ए सी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं आई सी एफ़ आई का मुख्यालय कहाँ स्थित है देहरादून में मार्च जो है दो हज़ार अठारह में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वेता सभ्यता परिषद भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद आई देहरादून और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक सव्यता परिषद प्रौद्योगिकी सूचना पूर्व पूर्वानुमान और आकलन परिषद टी आई एफ एस सी नई दिल्ली के मध्य एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए यह सहमति पत्र आजीविका के अवसर मुहैया कराने और वन आधारित समुदाय की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया सुपर थर्मल पावर स्टेशन बी एस टी पी एस किस राज्य में स्थित है बिहार में बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है बिहार में बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन पटना बिहार में बिहार राज्य में स्थित है एक दस हजार ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी उपयुक्त में से कोई नहीं एक दस हजार ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं दस हजार ईसा पूर्व में विश्व की आबादी का अनुमान विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया है किन गोल्ड ने दो मिलियन मैक एवेडी ने एवं जॉन्स ने चार मिलियन तथा थॉमलिन सन, सन एक से दस मिलियन का अनुमान लगाया अंततः कोई उत्तर सही नहीं माना जा सकता पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वह है नील आर्मस्ट्रांग पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वह है नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई उन्नीस को नील अंगस्ट्रम चांद पर उतरने वाला पहला आदमी था बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है छठ पूजा बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है छठ पूजा छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय त्यौहार है छठ पूजा को बिहार का महापर्व कहा जाता है दीपावली से ठीक छह दिन बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन यह पूजा होती है इस पर्व पर सूर्य देव व उनकी पत्नी उषा की पूजा की जाती है और आराध्य डाला जाता है जिससे पहला अर्घ सूर्यास्त और दूसरा अर्घ सूर्योदय के समय डाला जाता है दीपावली जिसे रोशनी का पर्व का भी कहा जाता है कार्तिक का अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का मुख्य पर्व है विशु केरल का प्राचीन उत्सव है यह केरल वासियों के लिए नव वर्ष का दिन है यह मलयालम वर्ष मेष की पहली तिथि को मनाया जाता है विशु को आने वाले साल के लिए सौभाग्य व अच्छी किस्मत के आगमन का प्रतीक माना जाता है विनायक चतुर्थी पर्व प्रत्येक वर्ष भगवान विनायक गणेश के जन्म के अवसर पर भद्रपाद मास के शुक्ल चतुर्थी को महाराष्ट्र सहित संपूर्ण भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है विनायक चतुर्ति महाराष्ट्र का मुख्य पर्व है निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 एनएच दो पर स्थित नहीं है उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन नंबर यानी कि ई निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 एनएच पर स्थित नहीं है इनमें से कोई नहीं उपयुक्त आंसर हो जाना चाहिए ई वर्ष 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्ण पूर्ण के बाद उपयुक्त में से कोई भी शहर राष्ट्र राजमार्ग एनएस टू पर स्थित नहीं है राष्ट्र राजमार्ग असम के डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर मिजोरम के ताइपुंग पर जाता है बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं बिहार में निम्नलिखित में के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं वर्तमान में अनेक विमानन कंपनी द्वारा बिहार में सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है जिसमें एयर इंडिया एयर इंडिया एक्सप्रेस किंगफिशर एयरलाइंस गो एयर इंडिगो स्पाइस जेट एयरलाइंस जेट एयरवेज सहारा एयर इंडिया एयर एयरलाइंस रॉयल नेपाल एयरलाइंस एवं जेट कनेक्ट एयरलाइंस आदि प्रमुख हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया क्योंकि इसमें एक से अधिक या उपयुक्त या उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसको हम लोग भी मानेंगे विश्व के सब विश्व की सबसे लंबी सबसे ऊंची कहे जाने वाली विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है राजगीर में <coughs> विश्व की सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है राजगीर में बिहार में राजगीर की पहाड़ी 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाले विश्व शांति स्तूप है वैशाली स्थित शांति स्तूप की ऊंचाई 38 मीटर यानी 125 फीट एवं चौड़ाई 36 मीटर एक फीट तथा गुंबज का व्यास 20 मीटर यानी पैंसठ फीट है Osionfish. नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है जिसे बिहार सरकार ने वर्ष उन्नीस में नालंदा में स्थापित किया था इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका जापान कोरिया तिब्बत भूटान आदि देशों में पाली एवं बौद्ध अध्ययन का अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक से यानी ऑप्शन नंबर ई इसका भी होना चाहिए पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किससे सीधा जुड़ा है उपयुक्त में से एक से अधिक से लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना इन स्थलों से जुड़े हुआ है अहमदाबाद बेंगलुरु कलकत्ता कोलम्बो दुबई अबूधाबी जम्मू काठमांडू नाग नागपुर रांची विशाखापट्टनम चेन्नई हैदराबाद मुंबई गोवा लखनऊ पुणे श्रीनगर नई दिल्ली बनारसी आदि बिहार लोकसेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर है जिसके अंतर्गत सोनपुर समस्तीपुर दानापुर दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय तथा धनबाद मंडल आते हैं बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है पटना सॉरी पटना में बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है पटना में, के का का, का का में है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर का कार्यकाल पटना में स्थित है सॉरी बिहार के उद्योगों का कमिश्नर का कार्य कार्यालय पटना में स्थित है भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार में भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार में भारत में नक्सलवाद क्षेत्र अब उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र तेलंगाना बिहार राज्य में विस्तृत हो चुका है और बिहार राज्य में विस्तृत हो चुका है श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे एक पुरुल थे पुलरिया पुरुलिया से श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता का जन्म वर्तमान बांग्लादेश के बिक्रमपुर में हुआ था यह तत्कालीन बिहार के पुरलिया जिला स्कूल के हेडमास्टर थे इनकी कर्मभूमि तत्कालीन बिहार का पुरलिया जिला ही रहा बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से उन्नीस में हटा दी गई यद्यपि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया प्रधान जाति के हिंदू के बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक संब्धान, रूप से उन्नीस में हटा दी गई थी यद्यपि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया था प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में वर्ष 1950 में बिहार सरकार द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने स्तुति प्रदान की वर्ष उन्नीस तथा वर्ष उन्नीस उनसठ में जिसमें संशोधन किया गया लेकिन इस अधिनियम में कुछ व्यवस्था ऐसी थी जिसके तहत पर वे बगीचा तालाब पुस्तकालय व्यापार आदि के उद्देश्य से ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा अपने अपने पास रख सकते थे जिसके अलावा कानून का क्रियान्वयन धीमा होने के कारण भी ज़मीन पर प्रधान जाति का कब्जा बन गया बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद बिहार के प्रमुख समाचार पत्र मह बिहारी बिहारी का संपादक के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में श्वेत महादेश के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था जिसे वर्ष उन्नीस में स्थापित किया गया था अब यह बंद हो चुका है अंटार्कटिका में स्थापित भारत का दूसरा स्थायी शोध केंद्र मेत्री है अंटार्कटिका के लॉर्ड्स मेरनी हिल क्षेत्र में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है जिनका नाम भारती है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है गीता रहस्य निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है गीता रहस्य गीता रहस्य नामक ग्रंथ लोकमान्य की उपाधि से विशूषित बाल गंगाधर तिलक ने मंडले जेल में लिखा था पुस्तक नाइटीन थी नाइनटीन एट्टी फॉर नाइनटीन एट्टी किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक नाइनटीन एट्टी इसके द्वारा लिखी गई है जॉर्ज आरवेल जॉर्ज आर्वेल के द्वारा पुस्तक 1984 एट्टी फोर जॉर्ज आरवेल के द्वारा लिखी गई है खेलकूद में उत्कृष्टता के साथ कौन सा पुरस्कार दिया जाता है खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार खेलकूद तो में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार दिए गए विकल्पों में खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र पूर्व में राजीव गांधी खेल पुरस्कार था मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार तथा अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को उनकी चार साल की उपलब्धियों के आधार पर दिए जाते हैं ये पुरस्कार राष्ट्र युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न तथा अर्जुन पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न के तहत खिलाड़ी को एक मेडल प्रमाण पत्र तथा साढ़े सात लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है अर्जुन पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को एक प्रतिमा प्रमाण पत्र और पाँच लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिकों को भारत रत्न प्रदान प्रदान किया गया है नेल्सन मंडेला जी को निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है नेल्सन मंडेला को नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका गोरी सरकार के विरुद्ध गांधीवादी मूल्य के आधार पर आंदोलन चलाने तथा दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका की गोड़ी सरकार द्वारा फैलाए गए जाति विद्वेष को समाप्त करने के लिए वर्ष उन्नीस में भारत रत्न पुरस्कार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया पुरस्कार द्वारा प्रदान किया गया है भारत रत्न पुरस्कार द्वारा प्रदान किया गया है चुने हुए देशों में की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कथन हम लोग देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का पचास प्रतिशत से अधिक मक्का पैदा करता है किंतु निर्यात, निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र तीन प्रतिशत करता है कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है दूध उत्पादों में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है और भेड़ भेड़ संख्या विश्व की चार परसेंट भेड़ संख्या विश्व की चार परसेंट होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का दो तिहाई का भेड़ मांस तथा एक बाय छः प्रतिशत ऊन का निर्यात करता है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ही गलत कथन है संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व का पचास प्रतिशत से अधिक मक्का पैदा करता है किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का तीन प्रतिशत ही करता है ये बिल्कुल गलत कथन है बाकी सभी कथन सत्य हैं एफ की वेबसाइट पर उपलब्ध वर्ष 2020 में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार में ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा 25 परसेंट ऊन उत्पादक एवं 40 परसेंट निर्यातक है तथा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर ऊन निर्यातक है न्यूजीलैंड में भेड़ों की कुल संख्या दो पॉइंट साठ करोड़ है जो विश्व की कुल भेड़ संख्या तेईस पॉइंट छियानवे मिलियन का एक पॉइंट दस प्रतिशत है जबकि प्रश्नकाल में यह चार प्रतिशत था प्रश्नकाल में न्यूजीलैंड कुल वैश्विक भेड़ मांस का पचहत्तर प्रतिशत पचहत्तर प्रतिशत तथा कुल वैश्विक निर्यात का लगभग सोलह प्रतिशत निर्यात करता है संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का लगभग पैंतीस परसेंट मक्का पैदा करता है किंतु साथ ही विश्व का सबसे बड़ा मक्का निर्यातक भी है अमेरिका विश्व के मक्का निर्यात का छत्तीस परसेंट निर्यात करता है अतः कथन ए असत्य हैं बाकी सभी कथन सत्य हैं इजराइल और पी के बीच प्रथम संधि बैठक हुई है मैंड्रिड में इज़राइल और पी के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई है मैंड्रिड में इजराइल और पीएलओ फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक जिसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधि ने अपने आमने सामने बैठकर वार्ता की मैनडिड में, में नवंबर उन्नीस में हुई इस बैठक के प्रथम सूत्रधार तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री जेम्स वेकर थे विश्व व्यापार संगठन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष थे पीटर सदरलैंड विश्व व्यापार संगठन के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष थे पीटर सदरलैंड डब्ल्यूटीओ की स्थापना जी ए के स्थान पर एक जनवरी उन्नीस सौ को हुई थी ऐसी परिस्थिति में गेट के तत्कालीन महानिदेशक पीटर सदरलैंड को ही डब्ल्यू का महानिर्देशक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था किंतु डब्ल्यू के विधिवत निर्वाचित प्रथम महानिदेशक रेनेटो रेने तो रुगेरियो उन्नीस सौ पंचानवे में प्रश्न में केवल डब्ल्यूटीओ के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है इसलिए विकल्प भी सही है वर्तमान में नोगाज नंगोजी ओंकाजा इवेला नंगोजी ओंकाजा इवेला डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक हैं यह वह पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई 1948 को दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई 1948 को केंद्र बिहार व पश्चिम बंगाल की सहमति के पश्चात केंद्र ने मार्च 1948 में दामोदर घाटी निगम अधिनियम पारित किया है इस अधिनियम के तहत सात जुलाई 1948 को भारत की प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम अस्तित्व में आई भद्रवती इस्पात केंद्र स्थित है भद्रा नदी पर भद्र भद्रावती नदी भद्र इस्पात केंद्र स्थित है भद्रा नदी पर भद्रवती इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन पहाड़ी श्रृंखला बाबा बुदन रेंज के समीप भद्रा नदी पर स्थित है बाबा बुदन श्रृंखला की पहाड़ी में लोहा मैग्नीज और चूना पत्थर आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं स्वर्मिन त्रिकोण का तात्पर्य है समृत त्रिकोण का स्वर्णिन समिमन त्रिकोण का तात्पर्य है थाईलैंड म्यांमार आदि के नशीले पदार्थ का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से समरवीन त्रिकोण का तात्पर्य है थाईलैंड म्यांमार आदि के नशीले पदार्थ का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से समरिन त्रिकोण एशिया के दो मुख्य अवैध अफीम उत्पादक राज्य में से एक हैं ये तीन लाख पचास हजार वर्ग किलोमीटर में विस्तृत समबरीन त्रिकोण के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी एशिया के चार देश म्यांमार लाओस वियतनाम तथा थाईलैंड आते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया का दूसरा कुख्यात अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्र अफगानिस्तान है अफगानिस्तान पाकिस्तान तथा ईरान को मिलाकर बनाने वाले क्षेत्र को समरीन आद्रचंद्र या गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं साउथ एशियन क्वालियन ऑन चाइल्ड स्वीट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंदुआ, बंदुआ बच्चों की संख्या कितनी है पाँच पॉइंट पाँच करोड़ दक्षिण एशियाई के uh, साठ गैर सरकारी संगठन एनजीओ द्वारा वर्ष उन्नीस सौ नवासी में गठित साउथ एशियन क्लोए क्विएशन ऑन चिल्ड्रेन स्वीटवुड द्वारा इक्कीस मई उन्नीस को बाल मजदूरी पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मज़दूरों की संख्या पाँच पॉइंट पाँच करोड़ थी इसके विपरीत तत्कालीन कृषि श्रम मंत्री पुर्णे ए संगमा के अनुसार भारत में चौदह वर्ष से आयु कम आयु वाले बाल मजदूरों की संख्या एक पॉइंट सत्रह करोड़ थी सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है सऊदी अरब सऊदी अरब का खनिज तेल में निर्यात में लंबे समय से पहला स्थान बना हुआ है दूसरे स्थान पर रूस है सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है सऊदी अरब प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध हैं बैडमिंटन में प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं बैडमिंटन में प्रकाश पादुकोण भारत के सुविख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं प्रकाश पादुकोण ने वर्ष उन्नीस में जूनियर एंड सीनियर वर्ग की राष्ट्र प्राप्त किया था किया तथा वर्ष उन्नीस सौ इकहत्तर से उन्नीस सौ तक लगातार नौ वर्षों तक सीनियर राष्ट्र बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता के विजेता रहे वर्ष उन्नीस सौ उनासी में प्रकाश पादुकोण ने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी संतोष यादव एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी संतोष यादव हरियाणा राज्य की निवासी तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस में अधिकारी संतोष यादव एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय महिला है एवरेस्ट शिखर पर दो बार चढ़ने वाली विश्व की गिनी चुनी महिलाओं में से एक संतोष यादव ने प्रथम बार मई उन्नीस में तथा दूसरी बार मई उन्नीस में एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की उनकी इस उपलब्धि पर भारत सरकार ने उनको वर्ष 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया था जबकि बछंदरी पाल प्रथम भारतीय महिला है जो उन्नीस में एवरेस्ट पर चढ़ी थी इंडिया विंस फ्रीडम इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं अबुल अबुल कलाम आजाद जी अबुल कलाम आजाद लिखित इंडिया विंस फ्रीडम का प्रकाशन ओरियंट लैंगवेन लॉन्गमैन द्वारा प्रकाशित वर्ष उन्नीस सौ उनसठ में किया गया इनकी यह इस पुस्तक में अबुल कलाम आजाद ने अपनी अनुभवों तथा दृष्टिकोणों को दर्ज किया है इंडियन विम्स फ्रीडम इंडिया फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आजाद जी भारत की राष्ट्रस्तनी है बाघ बाघ भारत की राष्ट्रस्थनी है बाघ भारत की राष्ट्रीय पशु बाघ वैज्ञानिक नाम पेंथरा ट्रिगरिस है जो एक स्तनधारी पशु है अंततः प्रश्न के अनुसार विकल्प डी सही है बाघों की घटती संख्या के दृष्टिगत उनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने अप्रैल उन्नीस में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की भारत बाघों की घटती संख्या के दृष्टिगत उनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने अप्रैल उन्नीस से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के तहत फरवरी 2022 तक बाईस बावन टाइगर रिजर्व की स्थापना Kilimza. की जा चुकी है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदान किए जाने वाले कलिंग पुरस्कार की शुरुआत वर्ष उन्नीस में हुई थी यूनेस्को द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार ने प्रथम पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता फ्रांस के लुइस डे ब्रोगली हैं भारत को अब या अब तक आठ बार कलिंग कलिंग पुरस्कार प्राप्त हो चुका है कलिंग पुरस्कार प्राप्तकर्ता को इनाम स्वरूप चालीस हजार डॉलर तथा एल्बर्ट एंस्टीन रजत पदक प्रदान किया जाता है संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है उपयुक्त में से किसी में नहीं यानी ऑप्शन नंबर ई में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और ओलंपिक की वेबसाइट के अनुसार कोरिया गणराज्य के पोंगयोंग में स्थित एक फुट में स्थित फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम एनग्रोडा में डे स्टेडियम एनग्रोडा में डे स्टेडियम की दर्शक क्षमता डेढ़ लाख डेढ़ लाख तथा तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा गुजरात में है जिसकी दर्शक क्षमता एक लाख एक पॉइंट बत्तीस लाख है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन एन अन इंडिया ऑटोग्राफी ऑफ एन अन इंडिया लिखा है नारद सिंह चौधरी ने ऑटो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अन इंडिया ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अन इंडिया लिखी है नारद सिंह चौधरी ने द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑन अन इंडिया द ऑटो बायोग्राफी ऑफ एन अन नॉन इंडिया भारतीय मूल के लेखक नरेंद्र सिंह चौधरी द्वारा वर्ष उन्नीस में रचित पुस्तक है आत्मकथात्मक विधा में रचित इन पुस्तक को नरद सिंह चौधरी ने अठारह सौ ईस्वी में किशोरगंज वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित में अपने जन्म से प्रारंभ किया था किया है इस पुस्तक में उन्होंने अपने मानसिक और बौद्धिक विकास कलकत्ता में अपने जीवन के विकास प्रतीक चिन्हों के ह्रास में अपने अनुमान का चित्रण किया है भारतीय परिस्थितियों में परिवर्तन और ऐतिहासिक ताकत ब्रिटेन के भारत में निष्कासन को अपनी पुस्तक में एक भयावह अनुभव बताया है अनीता रेडिक किसकी लेखिका है अनीता रेडिक किसकी लेखिका है बिजनेस एज यूजुअल अनयूजुअल बिजनेस अनयूज एज अनयूजुअल अनीता रेडिक किसकी लेखिका है बिजनेस एज अनयूजुअल अनिता रेड्रिक ने बिजनेस एज अनयूजल की रचना वर्ष 2001 में की थी अनीता रेड्रिक की अन्य कृतियां हैं बॉडी एंड सोल टेक इट पर्सनली ए रिवोल्यूशन इन काइंडनेस आदि इसके पर अतिरिक्त अनीता रेड्रिक ने गेटिंग द गेटिंग टू द बेटर फ्यूचर अ मैटर ऑफ कंसियस चूजिंग की रचना की जॉन ई रेनेंस तथा द नॉन द नो नॉन गाइड टू फेयर ट्रेड की रचना डेविस रेंसम ने साथ मिलकर की ग्रीन पीस यानी हरित शांति क्या है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस शांति क्या है पर्यावरण समर्थकों का एक संग, संगठन ग्रीन पीस पर्यावरण कार्यकर्ताओं का समूह है जिसकी स्थापना कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैकुल वैकलूर शहर में वर्ष उन्नीस में अमेरिका द्वारा अलास्का में परमाणु अस्त्र परीक्षण का विरोध करने के लिए किया गया था विश्व का प्रमुख पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस हेल मछली के शिकार वैश्विक उष्ण ग्लोबल वार्मिंग और प्राचीन वनों के ह्रास परमाणु शक्ति तथा जिन अभियंत्रों अभियंत्रिकों के विरुद्ध में विश्व जनमात बनाने के लिए जाना जाता है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्र सभा और सीनेट का क्रमश शक्ति क्या है चार सौ नब्बे। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्र सभा और सीनेट का क्रमश शक्ति क्या है चार सौ रेशियो नब्बे राष्ट्र सभा दक्षिण अफ्रीका की नई संसद राष्ट्र सभा नेशनल असेंबली में चार सौ सीटें हैं दक्षिण अफ्रीका संविधान के अनुसार विभिन्न पार्टियों को सामान्य चुनाव में प्राप्त वोट प्रतिशत बराबर राष्ट्रसभा में सीट आवंटित की जाती है यथा यदि किसी राजनीतिक दल को चुनाव 40 परसेंट वोट मिलते हैं तो राष्ट्रसभा में से 40 परसेंट अथवा 160 सीट प्राप्त होगी सीनेट में दक्षिण अफ्रीका में संसद के दूसरे सदन के रूप में स्थापित सीनेट का गठन वर्ष उन्नीस में किया गया था वर्ष उन्नीस में नए संविधान के अंगीकरण के साथ सीनेट का नाम बदलकर राज्यों की राज्य राष्ट्र परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविनेंसेस कर दिया गया जिसकी संख्या सदस्य संख्या नब्बे है स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस में हुआ था स्टैचू ऑफ लिबर्टी के मूर्तिकार फेडरिक एगेंस्ट एगेस्टे बार्थोरल्डी बारथोरलडी हैं जिस पर उसे स्था त हैं तथा जिस पर इसे स्थापित किया गया है उसके वास्तुविद एलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल स्टेचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस ने फ्रांस अमेरिकी दोस्ती का प्रतीक के रूप में अमेरिका अमेरिकी स्वतंत्रता की सौवीं वर्षगांठ पर अट्ठाईस अक्टूबर अठारह को अमेरिका को भेंट स्वरूप प्रदान किया था यह मूर्ति न्यूयॉर्क बंदरगाह के एलिस आइलैंड पर स्थित है वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या में बोली जाती है वह है उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि इसमें से कोई नहीं भाषा है भारतीय भाषा संस्थान के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर भारत में तेलुगु हिंदी के बाद व्यक्तियों की तीसरी सबसे अधिक संख्या वाली संख्या द्वारा बोली जाती है भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रथम सात भाषाएं निम्न है हिंदी इकतालीस प्रतिशत बंगाली आठ पॉइंट एक प्रतिशत तेलुगू सात पॉइंट उन्नीस प्रतिशत मराठा छः पॉइंट निन्यानवे प्रतिशत तमिल पाँच पॉइंट इक्यानवे प्रतिशत उर्दू पाँच पॉइंट एक प्रतिशत तथा गुजराती चार पॉइंट चार आठ प्रतिशत प्रश्न में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा पूछा गया है किंतु चारों विकल्प में बंगाली का नामोल्लेखन नहीं है अतः चारों में से कोई विकल्प सही नहीं है यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं अंग्रेजी फ्रांस और रूसी यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं अंग्रेजी फ्रांस रूसी यूनेस्को की कार्य भाषा के रूप में निम्न छह भाषाएं प्रयुक्त होती हैं चीनी अंग्रेजी फ्रेंच रशियन अरबी तथा स्पेनिश लाइफ डिवाइन लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा दो लोगों दो भागों में लिखित अंठावन अध्याय में विभक्त पुस्तक है इस पुस्तक में अरविंद घोष ने अपने अंत ज्ञान के आधार पर पश्चिमी विचार एवं पूर्वी अध्यात्मवाद का संश्लेषण प्रस्तुत किया है इस पुस्तक इस पुस्तक के अतिरिक्त अरविंद घोष ने आध्यात्मिक कविता सावित्री देंथिस ऑफ योगा गीता पर निबंध द ह्यूमन साइकिल द आइडिया आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी तथा द फ्यूचर ऑफ पोइट्री आदि लेख पर कविता लिखी है द मूर्स लाइट साय के लेखक हैं सलमान रसूदी द मूर्स लास्ट साय द शाय लास्ट साय लास्ट शाय के लेखक हैं सलमान रसूदी द मोड़स लास्ट साय द मूर्स लास्ट सिंह के लेखक हैं भारतीय मूल के लेखक सलमान रसदी हैं वर्ष उन्नीस सौ पंचानवे में प्रकाशित पुस्तक की पृष्ठभूमि मुंबई और कोचीन है सलमान ने विचारों से विरोध विचारों में विरोध का पुस्तक मूल विषय बनाया मूल विषय बनाया है तथा यह देखना है कि विचारों में, में इन विरोधों का समाधान व्यक्तिगत हित के आधार पर किया जाता है निम्नलिखित देशों में कौन सा, कौन सा अमेरिकी शस्त्र का सबसे बड़ा खरीदार है? सऊदी अरब। निम्नलिखित देशों में से कौन सा अमेरिकी शस्त्र का सबसे बड़ा खरीदार है सऊदी अरब अमेरिकी सरकार ने विदेशी शस्त्र बिक्री समझौता रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी द्वारा भारत आ, अमरीकी द्वारा वर्ष उन्नीस से वर्ष उन्नीस की अवधि में किए गए सस्त बिक्री का सबसे बड़ा खरीदार सऊदी अरब था सिपरी की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के मध्य विश्व के पांच बड़े हथियार निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका रूस फ्रांस जर्मनी और चीन हैं जबकि पांच बड़े आयातक देश में क्रमशः सऊदी अरब उसके बाद भारत फिर मिस्र ऑस्ट्रेलिया और चीन हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल निर्यात का चौबीस प्रतिशत सर्वाधिक सऊदी अरब को जाता है संत कबीर के सम्मान में मगहर मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था वर्ष 1987 में संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था वर्ष 1987 में विश्व को मानवता का संदेश देने वाले महान सूफी संत कबीर की महापरिनिर्वाण स्थली पर वर्ष 1987 में लगातार मगरहर महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है परंतु वर्ष 2012 और 2017 में विधानसभा चुनाव के कारण यह आयोजन स्थगित कर दिया गया यह उत्सव महोत्सव 12 से 18 जनवरी के मध्य आयोजित होता है पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया है लुथुआनिया पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया है लुथानिया पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर ने से स्वयं को सर्वप्रथम स्वतंत्र घोषित करने वाला गणराज लुथानिया है लुथानिया ग्यारह मार्च उन्नीस सौ नब्बे को अलग हुआ इसके बाद जॉर्जिया नौ अप्रैल उन्नीस सौ इक्यानवे को फिर एस्टोनिया बीस अगस्त उन्नीस सौ इक्यानवे को फिर यूक्रेन चौबीस अगस्त उन्नीस सौ इक्यानवे को किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है बैडमिंटन के लिए किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है बैडमिंटन के लिए थॉमस कप पुरुषों के लिए बैडमिंटन के अंतर्राष्ट्रीय टीम स्पर्धा है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ आई के प्रथम अध्यक्ष सर जॉर्ज एलन थॉमस द्वारा वर्ष उन्नीस में इस प्रतियोगिता का विचार दिया गया प्रथम थॉमस कप का आयोजन वर्ष उन्नीस सौ में क्विज हॉल प्रिस्टन में हुआ था प्रथम थॉमस कप मलेशिया तत्कालीन मलयान ने डेनमार्क को आठ एक से हरा कर जीत लिया जीता था थॉमस कप प्रतियोगिता 2022 का विजेता को हराकर बना है प्रथम थॉमस कप मलेशिया ने डेनमार्क को आठ एक से हराकर जीता था थॉमस कप प्रतियोगिता 2022 का विजेता को हराकर बना है डूरड कप किस खेल से संबंधित है फुटबॉल से डूरट कप किस खेल से संबंधित है फुटबॉल से डूरड कप फुटबॉल से संबंधित है यह भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल चैंपियनशिप है इसका प्रारंभ उन्नीस इसका प्रारंभ अठारह सौ अट्ठासी ईस्वी में हुआ था वर्ष 2016 में यह प्रतियोगिता आर्मी ग्रीन ने जीती और वर्ष 2021 में यह प्रतियोगिता फ़ुटबॉल क्लब गोवा ने मोवंडम स्पोर्टिंग क्लब को पराजित कर जीता है बीसवीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया हरिद्वार में बीसवीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया है हरिद्वार में शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला हरिद्वार में वर्ष उन्नीस में आयोजित हुआ है था भारत में हरिद्वार के अतिरिक्त अन्य तीन स्थानों इलाहाबाद और प्रयागराज और नासिक और उज्जैन के प्रति बारह वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है जंतर मंतर का निर्माण किया था महाराजा जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण किया था महाराजा जय सिंह ने जयपुर में स्थित जंतर मंतर का निर्माण सेवई राजा जय सिंह ने किया था यह मुबारक महल के बाहरी प्रांगण में स्थित है सम्राट यंत्र राम यंत्र सिविलय यंत्र की पाली यंत्र जंतर मंतर की वेदशाला के प्रमुख यंत्र हैं जिनमें सूर्य एवं चंद्र की गति और तारों की स्थिति शुद्ध रूप से दर्शाई गई है और एक सेकेंड के दसवें हिस्से तक ठीक ठीक समय ज्ञात हो जाता है उल्लेखनीय है कि सिवई जय सिंह ने ज्योतिषी एवं नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु पांच वेदशालाएं दिल्ली मथुरा उज्जैन बनारसी और जयपुर में बनवाई जिसमें से जयपुर की वेदशाला सबसे बड़ी तथा अत्यंत तर्क तर्कसंगत है एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है पाँच हज़ार किलोग्राम एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है पाँच हज़ार किलोग्राम एक वैस्क भारतीय हाथी का भार दो हज़ार से पाँच हज़ार किलोग्राम के बीच होता है अब तक का सबसे वजनी वजन में हाथी अमेरिकी में अमेरिका में पाया जाता गया है इसका भार लगभग सात हज़ार किलोग्राम था एक वयस्क भारतीय हाथी का प्रतिदिन ढाई सौ तीन ढाई सौ से तीन सौ किलोग्राम तक का भोजन करता है स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं जर्मन फ्रेंच और इटालियन। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं जर्मन फ्रेंच और तो इटालियन। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं जर्मन फ्रेंच तथा इटालियन है इसके अतिरिक्त रोमेंस भाषा भी स्विट्जरलैंड्स में बोली जाती है किंतु इसके बोलने वालों की संख्या बहुत कम है जीरो प्रतिशत है भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था वो थे हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर खगोलशास्त्री ख़। ख़॥। एस चंद्रशेखर को वर्ष उन्नीस सौ उन्नीस सौ में भौतिक शास्त्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए तथा हरगोविंद हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए वर्ष उन्नीस का नोबल पुरस्कार दिया गया दोनों वैज्ञानिक का जन्म भारत में हुआ था किंतु इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली थी 2009 में वी रामाकृष्णन को रसायन का नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ था जो भारतीय मूल के हैं तथा यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका को नागरिक संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक दोगी नागरिकता है वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का किताब दिया है स्वराज पाल को वह कौन एकमात्र भारतीय है जिस, जिनको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का किताब दिया है स्वराज पाल को भारतीय मूल के स्वराज पाल को ब्रिटेन ने लॉर्ड का किताब दिया है स्वराज पाल को ब्रिटेन ने वर्ष उन्नीस में लाइफ पियर की उपाधि प्रदान की लाइफ पियर की उपाधि प्राप्त व्यक्ति आजीवन हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मानद सदस्य बना रहता है इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है जर्मनी इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है जर्मनी संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थाई परिषद के पाँच अस्थायी सदस्य हैं फ्रांस ब्रिटेन चीन रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया है किया था राइट ब्रदर्स इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का अविष्कार किसने किया है राइट ब्रदर्स वर्ष 1903 में हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी गैलीलियो ने इटली के सुप्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी गैलेलियो ने दूरदर्शी अर्थात टेलीस्कोप की खोज की थी टेलीस्कोप के साथ साथ गैलीलियो ने जड़त्व के नियम तथा गति के समीकरण का निर्माण में भी योगदान किया निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट खनिज लोह मुख्यतः चार प्रकार के अयस्क से मिलता है एक मैग्नेटाइट बहत्तर प्रतिशत दूसरा हेमेटाइट सत्तर प्रतिशत तीसरा लेमोनाइट साठ प्रतिशत चौथा सिरेड सीरेट अड़तालीस परसेंट इसके अतिरिक्त टोकोनाइट चेमोसाइट और पायराइट में भी लोहा अंश पाए जाते हैं किंतु इसमें धातु अंश तीस परसेंट से भी कम होने के कारण इसका आर्थिक महत्व नग्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन एलाइगमेंट मूवमेंट का नेता कौन था भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन एलाइगमेंट मूवमेंट नेता कौन था भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन को वर्ष उन्नीस सौ इकसठ में भारत की पहली भारत की पहल पर शुरू किया गया और औपचारिक रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ भारतीय शुभारंभ प्रधानमंत्री नेहरू जी युगेसोलाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन मार्शल टीटो की अध्यक्षता में वेलग्रेड में आयोजित किया गया इस आंदोलन की अठारहवीं मध्य विधायी बैठक चार से छह अप्रैल दो हजार अठारह के मध्य बाकू अजरबैजान में आयोजित हुई थी मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी अल्बानिया मदर ट्रेसा की जन्मभूमि थी अल्बानिया मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में मेसोडोनिया के स्क्रोपेज नामक शहर में हुआ था 6 जनवरी उन्नीस में कलकत्ता आई कलकत्ता से आई मदर टेरेसा ने निर्धनों एवं बीमार लोगों की सेवा के लिए मशीनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की तथा कुष्ठ रोगी नशीले पदार्थों के लत्ती लोगों तथा दिन दुखियों के लिए निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना की मदर टेरेसा ने वर्ष उन्नीस सौ उनासी में नोबल का शांति पुरस्कार मिला कौन सा दो राज्य चंदन तस्कर में आ, कौन सा दो राज्य चंदन तस्कर बिरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे कर्नाटक और तमिलनाडु कौन से कौन से दो राज्य चंदन तस्कर बीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे कर्नाटक और तमिलनाडु कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित जंगलों में छिपकर रहने वाले कुख्यात चंदन तस्कर बीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्य वार्तालाप कर रहे थे अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का अनुसंधान पर अनुसंधान और विकास के क्षेत्र का श्रेय जाता है बी साराभाई को भारत में अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान एवं विकास के प्रेरणा स्रोत सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर सकर विक्रम सारा भाई रहे हैं वर्ष उन्नीस में गठित भारतीय राष्ट्र अंतरिक्ष अनुसंधान समिति आई पी ए आर के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर बी सारा ही थे डॉक्टर साराभाई की अध्यक्षता में ही उक्त समिति ने वर्ष उन्नीस उनहत्तर में पुनर्गठित करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नाम दिया गया है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं एच जे भाभा होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक थे होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं भारत में 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया डॉक्टर भा भावा की तीन चरण वाले परमाणु ऊर्जा जनन का कार्यक्रम निर्धारित किया है भारत की परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्रमशः इसी दिन से विकसित हो रहा है शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश में बहुत ही ज़्यादा आगे है पाकिस्तान शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से किस देश से बहुत ही ज़्यादा आगे है पाकिस्तान से भारत के परमाणु परीक्षणों के अनुसरण में परमाणु परीक्षण करने वाले पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम परमाणु हथियार विकसित करने पर केंद्रित है जबकि भारत के परमाणु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परमाणु विद्युत जनन को जनन के माध्यम से उसका शांतिपूर्ण प्रयोग है भारत ने वर्ष उन्नीस में परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित कर परमाणु अनुसंधान का उपयोग शांतिपूर्ण प्रगति के उद्देश्य से करने की स्पष्ट घोषणा की भारत परमाणु विद्युत जनन एवं परमाणु संबंधी अन्य ऐसे प्रयोगों जो मानव जीवन को उन्नत बनाते हैं जैसे चिकित्सा खाद परीक्षण आदि दृष्टिगत पाकिस्तान से बहुत आगे है भारत में निर्मित टैंक का नाम है अर्जुन भारत में निर्मित टैंक का नाम है अर्जुन भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन को 15 जून उन्नीस को सफल परीक्षण के पश्चात भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया इस टैंक का विकास रक्षा एवं अनुसंधान विकास परिसर विकास और विकास डी द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल भारत अर्थ मूवर्स बी आदि के सहयोग से किया गया है यद्यपि अर्जुन टैंक का विकास भारत में ही किया गया है किंतु इस टैंक की ऊर्जा एवं संचार प्रणाली आयातित है महाजिर मोह, कौमी आंदोलन क्या है महाजिर कौमी आंदोलन क्या है पाकिस्तान में बसे उत्तर प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है महाजिर मोह, कौमी आंदोलन क्या है पाकिस्तान में बसे प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है मुहाज़िर कौमी आंदोलन मुहाज़िर कौमी मूवमेंट्स पाकिस्तान में बसे उत्तप्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है एम क्यू एम मुख्यतः भारत में गए मुसलमानों के साथ किए जा रहे भेदभाव तथा उसके साथ द्वितीय दर्जे के नागरिकों की तरह आचरण किए जाने के विरुद्ध आवाज़ उठाता है इसके नेता अल्ताफ हुसैन हैं न्यूजीलैंड में पाई जाने वाला उड्डयन हीन पक्षी है कीवी न्यूजीलैंड में पाई जाने वाला उड्डयन हीन पक्षी है कीवी कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है पक्षी वर्ग में शामिल कीवी उड़ नहीं सकता परंतु बहुत तेज दौड़ सकते हैं चिपको आंदोलन है वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन चिपको आंदोलन है वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन भाले कुल्हाड़ी चमकेंगे हम पैर पर चिपकेंगे पैरों पर हथियार उठेंगे हम भी उनके साथ कटेंगे इसी नारे के साथ वर्ष उन्नीस सौ तिहत्तर चौहत्तर में पैरों को बचाने के लिए मंडल चमोली की महिलाओं ने गोड़ा देवी के नेतृत्व में पैरों पैरों को काटने से बचाने के लिए पैरों में चिपककर अहिंसक चिपको आंदोलन शुरू किया चंडी प्रसाद भट्ट सुंदरलाल बहुगुणा आदि परिया आदि पर्यावरण ने चिपको आंदोलन में आंदोलन को विश्व में पहचान दिलाई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है जो है विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधन एवं भौतिकी संसाधन में सुधार लाने हेतु वर्ष उन्नीस सौ में प्रारंभ हुई थी प्रत्येक चल रहे विद्यालय में दो बड़े कमरे कम से कम दो शिक्षक और आवश्यक शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना तथा तो इस योजना का प्रमुख अंग है वर्ष 2002 3 में यह योजना सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर दी गई स्टार टीवी का मालिक कौन है रूटपेट मेड्रोक स्टार टीवी का मालिक कौन है रूपट मैड्रॉक मीडिया मुगल के रूप में प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया में जन्मे अमेरिकी निवासी रूपट मैड्रॉक ने वर्ष उन्नीस सौ में हांगकॉन्ग की कंपनी से स्टार टीवी का अधिग्रहण किया था पंचशील का मुख्य विशेषता है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पंचशील की मुख्य विशेषता है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सअस्तित्व कोरिया युद्ध के पश्चात भारत और चीन के बीच एक व्यापक व्यापार समझौते के लिए बातचीत प्रारंभ हुई इस वार्ता के फलस्वरूप भारत और तिब्बत क्षेत्र के मध्य वाणिज्य तथा अन्य संबंधों के विषय में भारत चीन संधि पर 29 अप्रैल उन्नीस को हस्ताक्षर किए गए थे इस समझौते में पंचशील के पांचों समझौते का उल्लेख किया गया था पंचशील के सिद्धांत थे एक दूसरे की प्रदेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना पर आचरण करना अनाक्रमण अर्थात एक दूसरे पर आक्रमण न करना एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्ताक्षेप न करना परस्पर समानता एवं मित्रता की भावना तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट बेकानूर में रूसी केंद्र से कॉस्मोस रॉकेट से 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था इस उपग्रह के माध्यम से भारत में उपग्रह शैक्षणिक टेलीविजन प्रयोग प्रारंभ हुआ रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है तमिलनाडु का रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है तमिलनाडु का रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य का दक्षिणतम भाग है विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है नेपाल ने विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है नेपाल ने पूर्व में नेपाल ने, ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया था किंतु अप्रैल 2006 को लोकतांत्रिक क्रांति की सफलता के उपरांत संसद ने 18 मई 2006 को नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है बेंगलोर को भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया बेंगलोर को कर्नाटक के बेंगलौर को भारत के सिलिकॉन घाटी की संज्ञा दी गई है निकोलस कॉपर प्रसिद्ध हैं यह बताने के लिए कि यह गढ़ यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है लगाते हैं न कि पृथ्वी के निकोलस कॉपर प्रसिद्ध हैं यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के निकोलस कॉपरनिकस चौदह सौ तिहत्तर से पंद्रह सौ तैंतालीस ईस्वी ने गणित और ज्योतिषी के क्षेत्र में मिली सफलता के फलस्वरूप टॉलमी की एक मान्यता का खंडन कर दिया कि ब्रह्मांड पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है कोपरनिकस ने सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना तथा यह बताया कि ब्रह्मांड के अन्य ग्रह की भांति पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है दक्षेस सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग दक्षेस सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उर रहमान की पहल पर आठ दिसंबर उन्नीस को स्थापित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सहयोग संगठन दक्षेस साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन सार्क का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के साथ सहयोग में वृद्धि रहा है सही कथन चुने आर्यभट्ट एक गणितज्ञ ग्रंथ है लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृत्य है पंच सिद्धांतिक सातवीं सदी का ग्रंथ है गणित सार संग्रह में शून्य की संख्या नहीं मानी माना गया है इसका सही कथन है ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट एक गणित्ञ ग्रंथ है आर्यभट्ट पाँचवीं सदी ईसा पूर्व के महान खगोल शास्त्री गणितज्ञ तथा ज्योतिशास्त्री थे ज्योतिषाचार्य थे आर्यभट्ट गणित संबंधी ग्रंथ है लीलावती के रचनाकार भास्कर दो थे पंच सिद्धांतिक के रचिता वरिहार वराह वरह मिहिर थे जो समुद्र जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उन्नीस जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उन्नीस तीन सौ निन्यानवे से चौदह सौ चौदह ईस्वी के दरबार में थे गणित सार संग्रह में शून्य का भी संख्या माना गया है वंदे मातरम गीत, गीत के गीतकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के गीतकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के रचनाकार प्रसिद्ध बंगाली लेखक बंगला लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर रचित आनंद मठ नामक पुस्तक में वंदे मातरम गीत उद्धुत है उन अठारह सौ छियानवे ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था ऑफ ट्वैम, द स्पिरिट नामक रचना रचना संबंधित कथन में से कौन सत्य हैं इसकी रचिता रोमा देवी ने की बिल्कुल सही है इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है बिल्कुल सही है इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार एम एफ हुसैन कि हाँ तो हुआ था उपयुक्त में से सभी सही हैं टाइम्स ऑफ द स्पिरिट टाइप्स ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है उपयुक्त में से सभी हैं ड्रीम्स ऑफ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ द स्पिरिट को कपिल देव की पत्नी रोमा देवी ने लिखा है था जिसे ऑस्कर प्रकाशन ऑस्कर पब्लिकेशन ने वर्ष उन्नीस में प्रकाशित किया था कपिल देव ने खेल जीवन का विवरण देने वाली इस पुस्तक का विमोचन इस पुस्तक का विमोचन एम एफ हुसैन ने किया था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है आक्रमक राष्ट्रवाद की भावना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना का आक्रामक राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वाधक का वाधक कारक है शेष तीनों विकल्प अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सहायक सिद्ध होते हैं जापान व जर्मनी का राष्ट्रवाद आक्रामक राष्ट्रवाद ही था जिसके कारण तत्कालीन समय में अंतरराष्ट्रीय जगत विपरीत रूप से प्रभावित हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थाई सदस्य नहीं है जापान संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थाई सदस्य नहीं है जापान संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में पांच देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस रूस तथा चीन ही अस्थाई सदस्य हैं और पंद्रह अस्थाई सदस्य सुरक्षा परिषद में शेष पंद्रह सदस्य सुरक्षा परिषद में शेष दस अस्थायी सदस्य का चुनाव दो वर्षों के लिए होता है हाल ही में भारत आयरलैंड मैक्सिको व नॉर्वे को वर्ष दो दो हजार दो, इक्कीस बाईस के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहाँ लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम उन्नीस के तहत उन्नीस में की गई थी और ईशा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त के स्थापना से संबंधित विधान 1970 में पारित किया था लेकिन वहां यह संस्था वर्ष उन्नीस में जाकर अस्तित्व में आई ए, ए एस आनंद उन्नीस के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे एम एस आनंद उन्नीस के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे भारत के मुख्य न्यायाधीश आदर्श सेन आनंद ए एस आनंद उन्नीस के दशक के अंत में भारत के उनतीसवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल अक्टूबर उन्नीस से अक्टूबर उन्नीस दो हजार एक तक था इनका जन्म वर्ष उन्नीस सौ छत्तीस में जम्मू में हुआ था वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए सम, समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करना ही वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है यहाँ आपसी सामान्य दृष्टिकोण का आशय सम्मान नियमों के आधार पर प्राप्त लाभ का राष्ट्रों के बीच वितरण में है इस संदर्भ में विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू का उदाहरण दिया जाता है जा सकता है नौकरशाही का कार्य है सरकार की नीतियों को लागू करना प्रशासन चलाना मंत्रियों की सहायता करना उपयुक्त में से सभी नौकरशाही का कार्य है उपयुक्त में से सभी नौकरशाही का प्रमुख कार्य प्रशासन संचालन में है से है विधायिका नीति निर्माण के उपरांत कार्यपालिका को यह उत्तरदायित्व सौंपती है कि वह इन नीतियों को लागू करें कार्यपालिका इन नीतियों को नौकरशाही के माध्यम से लागू करवाती है साथ ही साथ नौकरशाही दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन में मंत, मंत्रगण की सहायता करती है मंत्रीगण की सहायता करती है भी करती है विभिन्न यूरोपियन यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है स्वीडन निम्नलिखित यूरोपियन यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है स्वीडन यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश स्वीडन है अक्टूबर 2014 में स्वीडन द्वारा फिलिस्तीन राज्यों को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई 30 सितंबर 19 30 सितंबर 2015 को पहली बार न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय पर फिलिस्तीन का ध्वज लहराया लगाया गया अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, दिवस मनाया जाता है तीन दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है तीन दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस तीन दिसंबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष उन्नीस सौ इक्यासी को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने तीन दिसंबर उन्नीस सौ बिरानवे से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग पंद्रह प्रतिशत जनसंख्या विकलांगता से ग्रसित है प्रभा देवी प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी पटना की प्रभा देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी पटना की स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया इन महिलाओं में सरला देवी प्रभावती देवी राजवंशी देवी सुनीता देवी तथा राधिका देवी प्रमुख हैं प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी श्री नरसिंह नारायण सिंह क्या थे समाजवादी थे श्री नरसिंह नारायण सिंह श्री श्री नरसिंह नारायण क्या थे समाजवादी श्री नरसिंह नारायण सिंह समाजवादी थे श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम रामप्यारी देवी था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामप्यारी देवी ने बंकीपुर में सभा को संबोधित किया और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया था सूर्य ग्रहण कब होता है जब चंद्रमा बीच में हो सूर्य ग्रहण कब होता है जब चंद्रमा बीच में हो ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाते हैं जिसके कारण सूर्य का कुछ हिस्सा दृष्टिगोचर नहीं होता सबसे छोटा दिन कब होता है बाईस दिसंबर को सबसे छोटा दिन कब होता है बाईस दिसंबर को 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है बाईस दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे कम अर्थात सबसे छोटी दिन तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तेईस सितंबर और इक्कीस मार्च को दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधि समान होती है